मॉर्निंग बेटा, दिस इज उमर राज। तो कल जो हमने टॉपिक शुरू किया था वो था बेटा किंगडम एलगे, हमने शुरू कर दिया था। तो हमने एलगेज के अंदर देखा था बेटा कि एलगेज का डेफिनेशन क्या होता है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या होता है, फादर ऑफ एल्गोलॉजी कौन है, ठीक है ना, और कौन से इंडियन साइंटिस्ट है बेटा जो फेमस एल्गोलॉजिस्ट या फाइकोलॉजिस्ट, ठीक है ना। उसके बाद बेटा हमने देखा था कि इनके हैबिटेट क्या होता था, हैबिटेट को हमने एकदम पूरा डिटेल में स्टडी कर दिया है। हमने अलग अलग टाइप के हैबिटेट्स देखे, हमने देखा स्नो के अंदर कैसे एलगेज होते हैं, स्नोबॉल फिनोमेना कौन दिखाता है, ठीक है ना, रेड स्नो फिनोमेना कौन दिखाता है, येलो ग्रीन स्नो या ग्रीन स्नो फिनोमेना कौन दिखाता है, कौन से एलगेज ऐसे होते हैं बेटा जो सॉल्ट कंडीशन पे मिलते हैं, कौन से एलगेज ऐसे होते हैं जिनको हम थर्मोफाइट से जो हाई टेम्परेचर पाए जाए ऐसे एलगेज कौन से होते हैं, रॉक्स के ऊपर कैसे एलगेज होते हैं, रॉक्स के अंदर कैसे एलगेज होते हैं, ठीक है ना, सॉल्ट वाटर के अंदर लैग्स के अंदर कौन से होते हैं, स्प्रिंग्स के अंदर कौन से होते हैं, एरोफाइटिक एलगेज किनको बोलते हैं, रेड रस्ट इन टील जो है बेटा कौन सा एलगे कॉज कराता, तो ये हमने कल कंप्लीट कर दिया था, ठीक है ना। अब आज जो बेटा आज हम एलगे का सेकंड टॉपिक शुरू करने वाले हैं जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और जो बड़ा आगे जाके क्लासिफिकेशन में बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, वो है बेटा थैलस ऑर्गेनाइजेशन इन एलगे। जैसे हमने कल, अगर आपको डेफिनेशन याद हो तो कल की डेफिनेशन में हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है बेटा कि एलगे जो होते हैं एलगे सिंपल एंड थैलॉइड ऑर्गेनिज्म होते हैं। कल की डेफिनेशन हमने ऑलरेडी पढ़ा बेटा कि एलगे जो होते हैं ये सिंपल ऑर्गेनिजम्स होते हैं और ये थैलॉइड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है ना। तो ये सिंपल एंड थैलॉइड का मतलब क्या होता है बेटा कि इनकी बॉडी जो होती है इनकी बॉडी डिफरेंशिएटेड नहीं होती, किसमें, रूट में, स्टेम में या लीफ में। तो ऐसे प्लांट्स बेटा जिनकी बॉडी डिफरेंशिएटेड नहीं होती है रूट में, स्टेम में एंड लीफ में, ऐसे प्लांट्स को हम क्या नाम देते हैं बेटा, ऐसे प्लांट्स को हम सिंपल प्लांट्स नाम देते हैं या थैलॉइड प्लांट्स नाम देते हैं, ठीक है ना। तो आज की क्लास जो है बेटा हम सब डिटेल में एकदम वन एक एक करके हम पढ़ने वाले हैं बेटा कि एलगेज के अंदर जो थैलॉइड बॉडी है इस थैलॉइड बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है या ये थैलॉइड बॉडी अलग अलग प्रकार में किस किस तरीके से देखी जाती है इनके अंदर एलगेज के अंदर, ठीक है ना बेटा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो हमारा जो आज का टॉपिक है बेटा मैं हेडिंग डाल देता हूँ यहाँ पे, हमारा टॉपिक जो बेटा वो है थैलस ऑर्गेनाइजेशन, थैलस ऑर्गेनाइजेशन। केज एलगिया बोलते हैं या इसको हम क्या बोलते हैं थैलस बोलते हैं। बिकॉज़ एलगेज के अंदर
बेटा रूट स्टेम एंड लीफ नहीं मिलता है, तो यही वजह है बेटा एलगीज को हम क्या बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है याद रखना बेटा, एलगीज को हम नाम देते हैं एलगीज आर नोन एज सिंपलेस्ट प्लांट्स। एलगीज आर नोन एज सिंपलेस्ट प्लांट्स, ये याद रखना बेटा इंपॉर्टेंट, समझिए आपने याद रखना बेटा कि थैलस और प्लांट एलगीज के साथ क्या होता है, कि बॉडी रूट स्टेम एंड लीफ में डिफरेंशिएटेड नहीं होती है, जस्ट बिकॉज कि इनकी बॉडी बेटा रूट स्टेम एंड लीफ में डिफरेंशिएटेड नहीं है, तो इसीलिए इनको क्या बोलते हैं थैलस बोलते हैं। और थैलस जो होता है बेटा, थैलस क्या होता है, थैलस एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें बेटा कोई डिफरेंशिएशन देखने को नहीं मिलता है, और इसी की वजह से बेटा एलगीज को क्या बोलते हैं, एलगीज को सिंपलेस्ट प्लांट्स बोलते हैं, समझ गए। अब अगर एलगीज को हम देखें बेटा, इनका जो थैलस होता है जो हमने वहां पर ऊपर लिख दिया, तो एलगीज का जो बेटा थैलस होता है ठीक है ना, तो एलगीज के थैलस को हम बेटा दो पार्ट्स में क्लास में करते हैं ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है बेटा याद रखते ठीक है। एलगीज का जो बेटा थैलस होता है, एलगीज को थैलस को हम दो पार्ट्स में क्लास में करते हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट होता है बेटा यूनिसेल थैलस, एंड दूसरा होता है मल्टी सेल थैलस। मल्टी सेल थैलस यानी एलगीज का जो थैलस होता है बेटा, एलगीज के थैलस के दो मेन पार्ट्स होते हैं, दो मेन हिस्से होते हैं ठीक है ना। एलगीज का जो थैलस होता है बेटा, इसके दो मेन पार्ट्स होते हैं और दो मेन हिस्से होते हैं ठीक है। एक पार्ट को क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं बड़े यूनिसेल थैलस ठीक है, और दूसरे को हम क्या नाम बोलते हैं मल्टीसेल थैलस ठीक है। बताने की मेरे को जरूरत नहीं, आप समझ गए बेटा। यूनिसेल थैलस के अंदर क्या होगा बेटा, यहाँ पे एक सिंगल सेल होगी ठीक है ना, एक वाहिक सेल होगी, एक सेपरेट सेल होगी बेटा। वही सिंगल सेपरेट सेल क्या करती है, वो सारे मेटाबॉलिक फंक्शंस करती है या सारे बॉडी के काम करते हैं, सारे बॉडी में काम करने का मतलब वही रेस्पिरेशन करेगा, वही आगे जाके रिप्रोडक्शन करेगा, वही फोटोसिंथेसिस कर रहा है, मतलब वही सारे नॉर्मल जो एक वेजिटेटिव सेल है एक थैलस काम करेगा। तो इन पर्टिकुलर सेल्स के अंदर बड़े यूनिसेल्ड थैलस होते हैं, इनके अंदर सारे काम कौन करेगा, एक सिंगल सेल सारे नॉर्मल काम करती है, सारे वेजिटेटिव फंक्शंस करती है, तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं यूनिसेल्ड थैलस बोलते हैं। अगर आपको याद हो बेटा, जब हमने डायनोफ्लाजेलेट्स पढ़े थे, जब हमने डायटम्स पढ़े थे, तो आपने देखा था बेटा डायनोफ्लाजेलेट्स एंड डायटम्स जो थे बेटा वो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स थे, क्योंकि मैंने आपको कल भी बोला है बेटा वो भी एलगीज ही होते हैं लेकिन उनको हमने बेटा सेपरेट करा है ठीक है ना। ब्लू ग्रीन एलगीज भी बेटा एलगीज होते हैं, उनको हमने सेपरेट करा है बिकॉज ऑफ सर्टन रीजंस ठीक है ना, लेकिन वो नेचर में या फंक्शन में अगर देखा जाए तो बेटा एलगी के समान ही होते हैं, समझ गए। और वो कैसे होते हैं बेटा, वो यूनिसेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, है वो भी एलगीज बेटा लेकिन कितने सेल्स के बने, एक सिंगल सेल के बने हैं। तो ऐसे पर्टिकुलर एलगीज जिनका थायरॉइड बॉडी है, जिनकी वेजिटेटिव बॉडी एक सिंगल सेल की बनी होती है, ऐसे एलगीज को हम क्या बोलते हैं बेटा, इनको हम यूनिसेल्ड थायरॉइड एलगी बोलते हैं, ये यूनिसेल्ड थैलस इनकी बॉडी को बोला जाता है। तो यूनिसेल्ड थैलस में बेटा एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी कि इनकी बॉडी के सारे काम कौन करेगा, यही एक सिंगल सेल करेगा, समझ गए। लेकिन अगर आप इसको देखोगे बेटा मल्टीसेल्ड थैलस को देखोगे तो आप समझ गए मल्टीसेल्ड थैलस में क्या होगा बेटा, मल्टीपल सेल्स होंगी जो कॉलोनी की फॉर्म में रह सकती है, जो फिलामेंट्स फॉर्म में रह सकती है, समझ गए ना, या ऐसी ऐसी अलग फॉर्म्स होंगी, हम इसकी फॉर्म्स अभी पढ़ेंगे। लेकिन मेन चीज ये होगा बेटा कि मल्टीसेल्ड कॉलोनी के मल्टीसेल्ड थैलस के अंदर आपको क्या मिलेगी, आपको मेनी सेल्स मिलेंगी, यूनिसेल्ड थैलस के अंदर एक सिंगल सेल मिलेगा। मल्टीसेल्ड सेल्स के अंदर बेटा अलग अलग सेल्स अलग अलग काम कर सकती है, मतलब डिफरेंट ऑफ लेबर हो सकता है, लेकिन यहाँ बेटा एक ही सेल क्या करते हैं सारे, समझ गए ना। तो मतलब ये बेटा कि अगर हम यूनिसेल्ड थैलस की बात करेंगे तो यूनिसेल्ड थैलस में बेटा आपको इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी, वो याद रखना है क्या, यहाँ पे सारे वाइटल फंक्शन जो सेल के होंगे ना बेटा वो किससे होंगे, वो एक सिंगल सेल से होंगे, समझ गए ना बेटा। तो लिख लेते हैं इसमें कि ऑल व्हाट इंपॉर्टेंट है बेटा याद रखना कि इसके अंदर क्या होगा, ऑल वाइटल फंक्शंस परफॉर्म बाय ए सिंगल सेल, समझ गए ना। तो मतलब बेटा इसका ये जो सिंगल सेल है ना, इसका सिंगल सेल ही क्या है बेटा, इसका सिंगल सेल ही इसका थैलस है, समझ गए ना। इसके सिंगल सेल में बेटा कोई डिफरेंशिएशन रूट स्टेम एंड लीफ का नहीं मिलेगा, तो इसकी सिंगल सेल क्या बनाती है बेटा, इसका थैलॉइड स्ट्रक्चर बनाती है।
हमारे यूनिसेलुलर चैनल जो होता है बड़ा, ये यूनिसेलुलर तीन इंपॉर्टेंट पार्ट्स में बटा गया है या तीन इंपॉर्टेंट डिविजन्स कर ले, इसके बड़े जो बड़े इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो यूनिसेलुलर चैनल जो होता है बड़ा, इसके तीन मेन पार्ट्स होते हैं या तीन मेन टाइप्स होते हैं, इसके बड़े थ्री मेन टाइप्स होते हैं। पहला टाइप जो बेटा ये फ्लैजिलेटेड, ये बेटा फ्लैजिलेटेड फॉर्म और मोबाइल फॉर्म, ठीक है ना। ये पहला टाइप है बेटा किसका, थैलस का, जो इंपॉर्टेंट है बेटा एग्जाम्पल फ्लैजिलेटेड फॉर्म इसको फ्लैजिला होगा, और सिंपल सी बात है बेटा जिसके पास फ्लैजिला होगा वो मोबाइल होगा, ठीक है। सेकंड है बेटा एमोबॉइड फॉर्म, एमोबॉइड फॉर्म और राइजोपोडियल फॉर्म, राइजोपोडियल फॉर्म, समझ गया बेटा। यानी यहां पे जो सिंगल सेल थैलस होगा या सिंगल सेल एलिगेज होगा बेटा, उसमें क्या होगा एमोबाइल स्ट्रक्चर होगा लोकल मोशन के लिए, तो इसलिए क्या बोलते हैं बेटा एमोबाइल फॉर्म भी बोलते हैं, समझ गया ना। लास्ट है बेटा कोकोडियल फॉर्म और नॉन मोटाइल फॉर्म, ठीक है ना। तो याद रखना बेटा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो पहला आपने याद रखा बेटा, पहला आपने आपने सबसे पहले बेटा ये इंपॉर्टेंट चीज याद है, फिर आपने बोला थैलस दो टाइप का हो सकता है, यूनिसेलुलर थैलस एंड मल्टीसेलुलर थैलस, मल्टीसेलुलर पे हम अभी पहुंचेंगे। तो यूनिसेलुलर थैलस में आपने बोला बेटा कि इनकी बॉडी जो होंगी एल्गी सिस्टम में, यूनिसेलुलर थैलस होता है एक सिंगल सेल की बनी हुई बॉडी होती है, और वही सिंगल सेल बेटा सारे वेजिटेटिव फंक्शन करते हैं। वेजिटेटिव फंक्शन का मतलब वही रेस्पिरेशन करेगा बेटा, वही आगे जाके फोटोसिंथेसिस करेगा, वही फूड को बनाएगा, वही फूड को स्टोर करेगा, वही लोकोमोशन दिखाएगा, तो ये सारे काम एक सिंगल सेल करती है। अब ये यूनिसेलुलर थैलस जो होता है बेटा इसके लिए तीन पार्ट्स में डिवाइडेड होता है बेटा। पहला है फ्लैजिलेटेड फॉर्म, ठीक है ना। फ्लैजिलेटेड फॉर्म मतलब इसमें फ्लैजिला होगा बेटा, फ्लैजिला होगा तो ये क्या कर सकता है, ये लोकोमोशन कर सकता है। सेकंड बेटा एमोबॉइड फॉर्म, एमोबॉइड फॉर्म में बेटा फ्लैजिला नहीं होगा लेकिन एमोबॉइड सूडोपोडियल स्ट्रक्चर्स होंगे, ठीक है ना, ये सूडोपोडिया से मूव करेगा बेटा। एंड लास्ट बेटा कोकोडियल फॉर्म, इसमें बेटा कोई भी लोकोमोटर ऑर्गन नहीं होता, समझ गए ना। तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा फ्लैजिलेटेड फॉर्म। अब ये फ्लैजिलेटेड फॉर्म जो है बेटा, अगर आपको याद हो, अगर आपको याद हो बेटा हमने हालांकि पढ़ा हुआ जब बैक्टीरिया पढ़ाया था तब, या जब मैंने आपको प्रोटिस्टा पढ़ाया था, प्रोटिस्टा के अंदर हमने देखा था बेटा कि फ्लैजिला जो होता है, फ्लैजिला एक ऑर्गेनिज्म के अंदर एक से ज्यादा फ्लैजिला हो सकते हो, मोर देन वन फ्लैजिला हो सकता है। तो अगर बेटा ऑर्गेनिज्म में मोर देन वन फ्लैजिला है, जैसे हमने बेटा डायनोफ्लैजिलेट्स के अंदर पढ़ा था, ठीक है ना, और वहां पे हमने देखा था बेटा कि अगर बॉडी में एक से ज्यादा फ्लैजिला है, ठीक है ना, और दो फ्लैजिला सेम है, मतलब सेम स्ट्रक्चर सेम फंक्शन है बेटा, तो ऐसे फ्लैजिलास को हम क्या बोलते हैं, आइसोकॉन फ्लैजिलास बोलते हैं, पता है ना आपको, ठीक है ना। देखिए अगर बेटा बॉडी में दो फ्लैजिलास है और दोनों डिफरेंट है ऑन द बेसिस ऑफ शेप, ऑन द बेसिस ऑफ साइज, जैसे यूरिना के अंदर हमने देखा था बेटा एक फ्लैजिला छोटा होता था, एक बहुत बड़ा होता था, ठीक है, एक बेटा नॉन टेंसाइल होता था, एक टेंसाइल फ्लैजिला होता था। तो अगर बेटा दो फ्लैजिलास है और लेकिन दोनों फ्लैजिलास का फंक्शन एंड दोनों फ्लैजिलास का स्ट्रक्चर अलग अलग है, ऐसे फ्लैजिलास को हम क्या बोलते हैं, हेटरोकॉन फ्लैजिलास बोलते हैं। ये आपको पता है ना। तो मतलब आइसोकॉन फ्लैजिला का मतलब होता है बेटा जहां पे दो फ्लैजिला हो और दोनों एक समान हो स्ट्रक्चर के बेसिस पे और फंक्शन के बेसिस पे। एंड हेटरोकॉन फ्लैजिला का मतलब बेटा होता है जहां पे दो फ्लैजिला हो लेकिन जो डिफरेंट हो, किसके बेसिस पे, फंक्शन के बेसिस पे एंड स्ट्रक्चर के बेसिस। सेम यहां पे बेटा, तो हमने बोला बेटा फ्लैजिलेटेड फॉर्म है हमारे किसकी, यूनिसेलुलर थैलस की, हमारे पास फ्लैजिलेटेड फॉर्म है जिसमें फ्लैजिला होगा। तो हमें आदमी पता है बेटा फ्लैजिला दो टाइप का होता है, ठीक है ना। तो या तो फ्लैजिला कैसा होगा बेटा, आइसोकॉन फ्लैजिला होगा, आइसोकॉन फ्लैजिला होगा, ठीक है ना, आइसोकॉन फ्लैजिला। तो मेरे को बताने की जरूरत नहीं है बेटा, आइसोकॉन फ्लैजिला का मतलब बेटा ऐसा फ्लैजिला जो क्या क्या नेचर में कितने होंगे बेटा, सुभाष टू फ्लैजिलास होंगे, ठीक है ना, और टू फ्लैजिलास बेटा दोनों कैसे होंगे बेटा, सेम होंगे ऑन द बेस ऑफ स्ट्रक्चर एंड ऑन द बेस ऑफ फंक्शन, समझ गए ना। तो याद रखना बेटा आइसोकॉन फ्लैजिला किस किस में पाया जाता है, एग्जाम में बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना आइसोकॉन फ्लैजिला पाया जाता है क्लाइमेडोमोनास में,
मैं तो फोकस में सीओसीसी समझ गया बेटा। अब आते सेकंड के ऊपर, अब कुछ फ्लैग का बेटा नंबर फ्लैग का दो फ्लैग का होंगे बेटा, टू फ्लैग लेकिन डिफरेंट होंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोकॉन बोलेंगे, हाइड्रोकॉन फ्लैग। तो हाइड्रोकॉन फ्लैग का मतलब क्या बेटा, हाइड्रोकॉन फ्लैग का मतलब दो फ्लैग का होंगे लेकिन दोनों फ्लैग का सेक्शन बेटा एकदम डिफरेंट होंगे, कोई सिमिलरिटी नहीं होगी, समझ गया ना। तो याद रखना एग्जाम में बड़ा इंपॉर्टेंट है, कॉल स्टोन समझ गया ना। तो मतलब अगर मैं दोनों को कंपेयर कर दो, मतलब ये ऐसे कंडीशन है बेटा जहां पे ऑर्गेनिज्म के अंदर कितने फ्लैजिलास मिल रहे हैं, टू फ्लैजिलास मिल रहे हैं। अब दो फ्लैजिला होंगे बेटा तो दो फ्लैजिला सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, समझ गया ना। अब फॉर एग्जाम्पल बेटा हम और एक कंडीशन ले लेते हैं, अब किसी में फ्लैजिला बेटा उसमें दो फ्लैजिला नहीं है, उसमें ओनली क्या बेटा वन फ्लैजिला है। तो आपको पता है बेटा वन फ्लैजिला आइसोकॉन हाइड्रोकॉन नहीं हो सकता, आइसोकॉन हाइड्रोकॉन कंडीशन में बेटा हम किसी लिए यूज करते हैं जब फ्लैजिलास कितने होते हैं, दो होते हैं, ठीक है ना। याद रखना बेटा ऐसा पर्टिकुलर यूनिट सेलेक्ट थैलस, ठीक है ना, जिसके अंदर बेटा फ्लैजिला खाली वन होता है, सिंगल फ्लैजिला होता है, इसका एग्जाम्पल याद रखना, एग्जाम्पल है ट्राइचेरोमोनास एंड क्रोम्यूटेला, ट्राइचेरोमोनास एंड क्रोम्यूटेला, ठीक है ना। तो याद रहेगा ना, तो आपने हमने थैलस से शुरू करा बेटा, थैलस बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा एल्गीज के बॉडी के अंदर, ठीक है ना, जिसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं। तो आपने याद रखा बेटा कि थैलस जो होता है, थैलस एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जहां पे बॉडी के अंदर बेटा डिफरेंशिएशन नहीं मिलेगा, किसका बेटा, रूट का, स्टेम का और लीफ का, ठीक है ना। फिर आपने बोला कि बेटा कि जो एल्गीज होते हैं, एल्गीज के अंदर थैलस दो प्रकार का हो सकता है, या तो सिंगल सेल का बना हुआ थैलस हो सकता है, या तो बहुत सारे सेल्स का बना हुआ थैलस हो सकता है, सिंगल सेल्स का हो तो यूनिसेल्यूलर थैलस बोलेंगे, बहुत सारी सेल्स का हो तो मल्टी सेल थैलस बोलेंगे, ठीक है। यूनिसेल्यूलर थैलस की प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा, यहाँ पे सेल के या एल्गी के जितने भी वेजिटेटिव फंक्शंस होते हैं वो एक सिंगल सेल करती है बेटा, यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होगा, सारा काम जो है बेटा एक सिंगल सेल खुद करेगा। यूनिसेल्यूलर थैलस जो है बेटा इसको हमने देखा कि अलग अलग शेप का हो सकता है, अलग अलग टाइप का हो सकता है, तो हमने बेटा इसके तीन मेन टाइप्स बोले। हमने बोला बेटा यूनिसेलुलर थैलस जो होता है ये फ्लैजिलेटेड हो सकता है, मतलब मोटाइल हो सकता है, ये मूव कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। हमने बोला कि बेटा यूनिसेलुलर थैलस जो हो सकते हैं ये बेटा एमोबॉइड या राइजोपॉडल हो सकते हैं, एमोबॉइड या राइजोपॉडल का मतलब इनमें फ्लैजिला नहीं होगा बल्कि इनके अंदर सूडोपोडिया होंगे, ये सूडोपोडिया के थ्रू मूवमेंट दिखा देंगे बेटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। और हमने बोला बेटा कुछ एल्गीज ऐसे भी होते हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं लेकिन वो सेसाइल होते हैं बेटा, वो मूव नहीं कर सकते, ठीक है ना, वो नॉन मूवेबल होते हैं, उनके अंदर कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होता, उनको हमने कोकोडियल बोला, समझ गए ना। फिर हमने बोला कि फ्लैजिलेटेड एल्गीज होते हैं बेटा, फ्लैजिलेटेड एल्गीज में या तो एक फ्लैजिला होगा या तो दो फ्लैजिलास होंगे, ठीक है। तो अगर एक फ्लैजिला है बेटा तो वो नेचर में सिंगल फ्लैजिला होगा, उसमें आइसोकॉन हेटरोकॉन कंडीशन देखने को नहीं मिलेगी। तो एग्जाम्पल आपने याद रखा, दो एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है बेटा यूनिसेलुलर थैलस की, यूनिसेलुलर फ्लैजिलेटेड थैलस की इंपॉर्टेंट है, यूनिसेल फ्लैजिलेटेड थैलस की बेटा दो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ट्राइकेलोमोनास एंड क्रोम्यूलिना, याद रखना बेटा ट्राइकेलोमोनास एंड क्रोम्यूलिना, याद रखना जो मैंने नीचे शायद लिख दिया, ये लिख दिया मैंने नीचे सबसे नीचे, ठीक है ना। फिर आपको याद रखना बेटा कि अब मान लो फॉर एग्जाम्पल कोई यूनिसेल एल्गी है बेटा, उसके अंदर दो फ्लैजिलास है, तो दो फ्लैजिलास सेम भी हो सकते हैं डिफरेंट भी हो सकते हैं। अगर सेम है बेटा तो हम आइसोकॉन बोलेंगे, अगर डिफरेंट है तो हम हाइड्रोकॉन बोलेंगे। आइसोकॉन की बेटा एग्जाम्पल आपको याद रखनी है बेटा क्लाइमेडोमोनास, एंड आइसोकॉन की एग्जाम्पल आपको याद रखना है पॉलिस्ट्रोमम, ठीक है ना, एंड आइसोकॉन की एग्जाम्पल याद रखना बेटा क्लाइमेडोमोनास एंड हेमेटोकोकस, एंड हेट्रोकॉन की एग्जाम्पल याद रखनी है बेटा पॉलिस्ट्रोमम, समझ गए ना बेटा, ये क्लियर हुआ। चलो अब हम आते हैं बेटा किसके ऊपर, एमोबॉइड फॉर्म के ऊपर, राइजोपॉडल फॉर्म, ठीक है। आप एमोबॉइड फॉर्म या राइजोपॉडल फॉर्म में बेटा ये मेरे को बोलने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बता बेटा इसके अंदर लोकोमोटरी ऑर्गन क्या होगा, इसके अंदर लोकोमोटरी ऑर्गन बेटा सूडोपोडिया होते हैं, ठीक है ना। इसके अंदर लोकोमोटरी ऑर्गन क्या होता है बेटा, इसके अंदर लोकोमोटरी ऑर्गन सूडोपोडिया होता है, समझ गया। एग्जाम्पल याद रखें बेटा, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, इसका एग्जाम्पल क्रिस एमोबाय है, समझ गए ना बेटा, याद रहेगा।
जिसका नाम है बेटा फोकोडियल, ठीक है ना। फोकोडियल के बारे में बेटा आपको दो चीजें याद है, इनके अंदर फ्लैगला तो एब्सेंट है नहीं है, इनके अंदर सूडोपोडिया तो एब्सेंट है नहीं है, ठीक है। इनके अंदर बेटा और एक चीज भी एब्सेंट होती है, ठीक है, वो क्या होता है बेटा, वो इनका सेल वॉल होता है, याद रखना। मतलब फोकोडियल फॉर्म के अंदर बेटा ना तो सेल वॉल है और ना तो फ्लैगला है और ना तो सूडोपोडिया, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट है बेटा। तो फोकोडियल फॉर्म जो होती है ऐसी फॉर्म होती है जहां पे सेल वॉल नहीं होता, वी लैक सेल वॉल, और आपको ये चीज पता है बेटा कि सेल वॉल होना बेटा एल्गी का इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ठीक है। सेल वॉल सेलुलोज पेक्टिन का बन सकता है, हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन का बन सकता है, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर होता है। सेल वॉल कैल्शियम सिलिकफाइड सेल वॉल हो सकता है बेटा, जैसे हमने डायटम्स के अंदर देखा था, लेकिन सेल वॉल तो हमेशा ही पाया जाएगा, ठीक है ना। लेकिन इनकेस ऑफ कोकोडियल यूनिसेल्ड एल्गीज बेटा, इनकेस ऑफ कोकोडियल नॉन मोटाइल यूनिसेल्ड एल्गीज बेटा, इनके अंदर ना तो सेल वॉल होता है और ना ही क्या होता कोई लोकोमोटरी ऑर्गन होती है। दे लैक सेल वॉल एंड नो लोकोमोटरी ऑर्गन, तो इनके अंदर बेटा कोई लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होता बेटा। एग्जाम्पल याद रखना बेटा, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल आएगा बेटा क्लोरेला एल्गा, क्लोरेला समझ गए ना बेटा। ये हमारा यूनिसेल्ड कंप्लीट हो जाता है, जिसके ऊपर बेटा बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए और बहुत ही इजी है, बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगा देखने में टफ, लेकिन एकदम टफ नहीं बेटा अगर आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, समझ गए ना। तो हमने बेटा शुरू करा था वेजिटेटिव बॉडी से, वेजिटेटिव बॉडी में हमने बेटा थैलस ऑर्गेनाइजेशन से शुरू करा था। हमने बोला बेटा कि एल्गी की बॉडी थैलॉइड होती है, थैलॉइड मतलब रूट स्टेम एंड लीफ का डिफरेंशिएशन देखने को नहीं मिलेगा। तो ये थैलॉइड बेटा अलग अलग तरीके से ऑर्गेनाइज करता है और अलग अलग शेप्स देता है। तो शेप देखने से पहले हमने देखा बेटा कि कितनी सेल का थैलस बनेगा, सिंगल सेल का बन सकता है, मेनी सेल्स का बन सकता है। सिंगल सेल का थैलस बनेगा तो यूनिसेल्ड थैलस बोलते हैं, मेनी सेल्स का थैलस बनेगा मल्टी सेल्ड थैलस बोलते हैं, ठीक है। तो यूनिसेल्ड थैलस के अंदर हमने देखा बेटा ये तीन मेन टाइप्स का होता है। तो हमने फर्स्ट टाइप जो लिखा बेटा फ्लैजिलेटेड थैलॉइड, फ्लैजिलेटेड यूनिसेल्ड थैलॉइड एल्गी हमने लिखा बेटा। तो फ्लैजिलेटेड यूनिसेल्ड थैलॉइड एल्गी जो होता है बेटा, ये ऐसा एल्गी होता है जो एक सिंगल सेल का बना हुआ है, ठीक है ना, और इसकी बॉडी में पूरा सारा काम जो कर रही है बेटा वो कौन कर रही है, एक सिंगल सेल ही कर रही है, समझ गए ना। जितने भी वेजिटेटिव फंक्शन है वो एक सिंगल सेल की तरफ से हो रहे हैं। अब एक सिंगल सेल्ड यूनिसेल्ड सिंगल सेल्ड यूनिसेल्ड फ्लैजिलेटेड यूनिसेल्ड ये जो थैलॉइड बॉडी होती है बेटा एल्गीज की, यूनिसेल्ड थैलॉइड बॉडी बेटा तीन प्रकार की हो सकती है। ये फ्लैजिलेटेड हो सकती है बेटा, ये एमोबॉइड हो सकती है बेटा, या इसके अंदर कोई भी सेल ऑर्गेन, इसके अंदर कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गेन देखने को नहीं मिलेगा। ये एक सिंगल सेल का बना हुआ है और इसके अंदर बेटा लोकोमोशन के लिए फ्लैजिला है, तो हम उसको क्या बोलते हैं बेटा, फ्लैजिलेटेड फॉर्म बोलते हैं, ठीक है, या फ्लैजिलेटेड यूनिसेल्ड फॉर्म बोलते हैं बेटा, क्योंकि इसके अंदर फ्लैजिला है फॉर द पर्पस ऑफ लोकोमोशन। अब फ्लैजिला जो होता है बेटा ये एक भी हो सकता है या दो भी हो सकते हैं। अगर एक होगा बेटा तो उसका एग्जाम्पल मैंने आपको बोला बेटा ट्राइकोलोबोलास एंड क्रोमुलिना, इसका एग्जाम्पल याद है। अगर दो होंगे बेटा तो दो बेटा होमो आइसोपॉन्ड हो सकते हैं या हेट्रोपॉन्ड हो सकते हैं, ठीक है। तो आइसोपॉन्ड के लिए बेटा एग्जाम्पल याद रखनी है क्लाइमेडोमोनास, ठीक है ना, और हेमेटोकोकस, एंड हेट्रोपॉन्ड के लिए बेटा एग्जाम्पल याद रखनी है पॉलिस्टोमा, समझ गए ना बेटा, ये क्लियर हो गया। अब हम आते हैं बेटा किसके ऊपर, अब हम आते हैं मल्टीसेल्ड। तो मल्टीसेल्ड थोड़ा बहुत बड़ा है, हम इसको क्या करेंगे बेटा, अब करेंगे फिर हम मल्टीसेल्ड देख लेते हैं। तो ये तो समझ आ गया ना बेटा, ये पक्का समझ आ गया। मल्टीसेल्ड को बेटा यहाँ पे मैं थोड़ा बेटा लिख लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा ये हो जाए, फिर हम इसको रब कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं, ये सबको समझ आ गया ना, इसमें कोई कुछ पूछना कुछ वैसे कुछ पूछने वाली चीज है नहीं, लेकिन एग्जाम्पल्स बेटा क्योंकि इस क्वेश्चन में मेनली जो पूछा जाता है बेटा एग्जाम्पल पूछता, आपके एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है ना बेटा। आगे बढ़े हैं तो अब हम आते बेटा किसके ऊपर, मल्टीसेल्ड के ऊपर। मल्टीसेल्ड थोड़ा बहुत लंबा पोर्शन है बेटा, लेकिन हम इसको क्या करें, हम इसको इजी कर देते हैं। तो पहले देख लेते बेटा कि मल्टीसेल्ड के टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो मल्टीसेल्ड का टाइप होता है बेटा, इसके बहुत मेन टाइप्स होते हैं, पहले मेन टाइप्स में फिर हम एक एक करके क्लास में करेंगे। तो जैसे मल्टीसेल्ड बेटा कॉलोनियल फॉर्म हो सकता है, ठीक है ना बेटा। तो मतलब ये क्या होगा बेटा, ये कॉलोनियल फॉर्म में मिलेगा, कॉलोनी इसके अंदर मिलेगा, ठीक है ना। ये बेटा फिलामेंटस हो सकता है, बताइए बेटा लंबे लंबे दागों के समान मिलेगा, फ्लैमेंट्स के समान मिलेगा, ठीक है ना। आपका बेटा ये स्पाइनस हो सकता है, ठीक
ज्वाइनस फॉर्म हो सकता है, पैरेन्काइमेटस फॉर्म हो सकता है, ठीक है, इनके बहुत सारे सब टाइप्स भी है, लेकिन पहले मेन टाइप देख लेते हैं। हमने यूनिसेलुलर में बेटा वो तीन टाइप देखे थे, आपने याद रखना मल्टीसेलुलर का कॉलोनियल फॉर्म हो सकता है, फिलामेंटस फॉर्म हो सकता है, स्पाइनस फॉर्म हो सकता है एंड पैरेन्काइमेटस फॉर्म हो सकता है, ठीक है। तो शुरुआत कहां से करेंगे बेटा, हम कॉलोनियल फॉर्म से शुरुआत करेंगे, ठीक है। चलिए तो ये फिर आप कर देता हूँ बेटा, आपने नोट डाउन कर दिया होगा तो ये फिर आप कर देते हैं। तो हम आते हैं बेटा फर्स्ट हेडिंग हम डालेंगे बेटा मल्टीसेल्ड थायरॉइड एल्गी, तो मल्टीसेल्ड के बारे में बेटा मैंने आपको ऑलरेडी एक चीज बोली भी है, मल्टीसेल के अंदर मेनी सेल्स होंगे, यहाँ पे सिंगल सेल देखने को नहीं मिलेगा। हमने बेटा इसकी फर्स्ट फॉर्म जो भी लिखी है बेटा वो क्या था, होता कॉलोनियल फॉर्म। तो सबसे पहले कॉलोनियल फॉर्म को देखेंगे, और ये बेटा वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन, ठीक है। अब कॉलोनियल फॉर्म जो है बेटा, कॉलोनियल फॉर्म में क्या होता है बेटा, यहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स होगी, ठीक है ना, जो क्या रहते हैं जो पैक होकर रहते हैं, ठीक है। कॉलोनियल फॉर्म की सबसे पहली चीज याद रखनी है यहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स, क्योंकि मल्टीसेलुलर है बेटा, नंबर ऑफ सेल्स तो होनी होनी, नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है ना। तो जो क्या होते हैं जो पैक होकर रहते हैं, विच आर पैक होकर, समझ गए ना, यहाँ पे बेटा बहुत सारी सेल्स जो क्या बेटा जो पैकेट के अंदर होती है और एक साथ क्या होती है बेटा कॉम्पैक्ट फॉर्म में जुड़ी रहती है, समझ गए ना। अभी मल्टीसेल फॉर्म जो है बेटा, ठीक है, ये मेन चार टाइप्स का होता है, ठीक है। मल्टीसेल फॉर्म जो है बेटा ये फोर मेन टाइप्स का होता है, ठीक है। किस किस टाइप का होता है बेटा हम एक एक करके लिख लेते हैं, जैसे मल्टीसेल टाइप जो कॉलोनियल फॉर्म जो बेटा, इसका मेन टाइप जो बेटा वो जो सिनोबियम होता है, सिनोबियम कॉलोनियल फॉर्म, यहां इसको लिख सकते बेटा सिनोबियम मल्टीसेलुलर कॉलोनियल फॉर्म भी लिख सकते, वन एंड द सेम थिंग है, समझ गए। सेकंड लिख देते बेटा पाल्मलॉइड कॉलोनियल फॉर्म, ये बेटा इसका सेकंड टाइप हो गया, ठीक है ना। थर्ड लिखते बेटा डेंड्रोइड कॉलोनियल फॉर्म, ये इसका बेटा थर्ड टाइप हो गया, समझ गए ना। एंड लास्ट राइजोफाइटल कॉलोनियल फॉर्म, ठीक है ना बेटा। तो हमने शुरुआत करी बेटा मल्टीसेलुलर की, ठीक है ना। तो आपने याद रखा बेटा कि मल्टीसेलुलर फॉर्म जो होती है बेटा, मल्टीसेलुलर फॉर्म इसमें मेनी सेल्स होंगे बेटा, ठीक है ना। मल्टीसेलुलर फॉर्म बेटा चार मेन टाइप्स का होता है, जिसमें से कॉलोनियल फॉर्म है बेटा, जिसमें से फिलामेंटस फॉर्म है, जिसमें से पैरेन्काइमेटस फॉर्म है, जिसमें से साइफोनस फॉर्म है। तो हमने शुरुआत करी बेटा कॉलोनियल फॉर्म से। तो आपने बोला बेटा कि कॉलोनियल फॉर्म एक ऐसा मल्टीसेलुलर फॉर्म होता है बेटा एलगीज का या एलगीज के थैलस का, जो मेनी सेल्स का बना होता है, सारी सेल्स पैकड होती है, ठीक है ना। अब ये पैकेट सेल्स होते हैं बेटा, ये चार तरीके के अरेंजमेंट्स बनाती है, सिनोबियम अरेंजमेंट बनाती है, पाल्मलॉइड अरेंजमेंट बनाती है, डेंड्रोइड अरेंजमेंट बनाती है, ठीक है ना, एंड राइजोफाइटल अरेंजमेंट बनाती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या देख रहे हैं, सिनोबियम अरेंजमेंट देख रहे हैं, तो सबसे पहले देख रहे हैं कि सिनोबियम अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है। तो शुरुआत करते बड़े कहां से, सिनोबियम से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, प्लीज याद रख लीजिएगा इसको, ठीक है ना। तो सिनोबियम अरेंजमेंट, सिनोबियम कॉलोनियल मल्टीसेल्युलर
इस पे बेटा फोकस करना है कि सिनोनियम का मतलब क्या होता है, क्योंकि एग्जामिनर जो बेटा वो ये आपसे जरूर पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है ना। तो सिनोनियम याद रखना। अब सिनोनियम जो है ना बेटा, सिनोनियम ऐसा कॉलोनियल फॉर्म होता है बेटा, ठीक है, जिसका सबसे फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जो बेटा वो ये है, इसके अंदर आपको फिक्स्ड नंबर ऑफ सेल्स मिलेगा, ये याद रखेंगे, फिक्स्ड नंबर ऑफ सेल्स मिलेगा, यानी सिनोनियम जो बेटा एक ऐसी कॉलोनी जिसमें आपको क्या मिलेगी, पर्टिकुलर नंबर ऑफ सेल्स मिलते हैं, समझ गए ना। ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया याद रखना है। सेकंड इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया याद रखना है कि सिनोनियम की जो कॉलोनी होती है ना, इस कॉलोनी का डेफिनेट शेप एंड साइज होता है, कॉलोनी हैज डेफिनेट शेप एंड साइज, मतलब इस कॉलोनी का एक पर्टिकुलर शेप होता है बेटा और एक पर्टिकुलर साइज है, समझ गए ना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखना बेटा, इस कॉलोनी के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर पाया जाता है, डिवीजन ऑफ लेबर पाया जाता है, मतलब ये बेटा कि अगर मान लीजिए इस कॉलोनी के अंदर 10 सेल्स है, तो 10 की 10 सेल्स जो है वो क्या करते हैं, अलग अलग काम करते हैं। जैसे पहले समझ लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे मान लीजिए फादर बेटा ये एक सिनोबियम कॉलोनी है, तो ये ऐसे बेटा इंडिविजुअल सेल्स का बना हुआ है, ऐसे ठीक है ना। यहाँ बेटा सेल्स है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ठीक है ना। तो आप ये बेटा 13 सेल की कॉलोनी बनी है, तो जितने भी मेंबर्स इस कॉलोनी के होंगे ना बेटा, आगे और भी मेंबर्स होंगे, तो उनमें भी कितनी होंगी बेटा, 13 नंबर ऑफ सेल्स होंगी, जो हमेशा 13 की ही कॉलोनी बनाएंगे। तो मतलब नंबर ऑफ कॉलोनीज जितनी भी जगह पे आप देखोगे ना, तो वो फिक्स्ड नंबर ऑफ कॉलोनीज होंगी बेटा, और फिक्स्ड नंबर ऑफ कॉलोनी बेटा फिक्स्ड नंबर ऑफ सेल्स मिलेंगे। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मेरे पास बेटा ये सिनोबियम की दो कॉलोनीज, ठीक है, और ये सेम स्पीशीज की दो कॉलोनीज है। जैसे मैं अभी इसमें एग्जाम्पल लिखेंगे बेटा, सिनोबियम का एग्जाम्पल वॉलवॉक्स आता है, हाइड्रोडिक्टियन आता है, ठीक है ना, अभी लिखा दूंगा मैं। तो जैसे वॉलवॉक्स बेटा गोल आकार का स्ट्रक्चर होता है, सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है वॉलवॉक्स का। अब मान लीजिए बेटा ये भी वॉलवॉक्स है, ये भी वॉलवॉक्स है, इसमें बेटा 13 नंबर ऑफ सेल्स की कॉलोनी बनती है, तो इसमें भी कितने की बनेगी, 13 नंबर ऑफ सेल्स की ही बनेगी, समझ गए ना। तो फिक्स्ड नंबर ऑफ सेल्स होता है, और इनका एक पर्टिकुलर शेप होता है, जैसे मैंने आपको अभी बोला वॉलवॉक्स गोल आकार का होता है, तो मतलब बेटा जितने भी वॉलवॉक्स होंगे वो गोल आकार के ही होंगे, तो इनमें बेटा एक फिक्स्ड शेप भी होता है और एक फिक्स्ड साइज भी होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेटा, इनके अंदर जो सेल्स होती है ना, यहाँ पे अलग अलग सेल्स क्या करती है, अलग अलग काम करती है। मान लो 3 सेल्स रेस्पिरेशन देख रही है, 3 सेल्स बेटा रिप्रोडक्शन देख रही है, 3 सेल्स डाइजेशन देख रही है, डैश इन डैश, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, डिवीजन ऑफ लेबर बोलते हैं, मतलब अलग अलग सेल्स अलग अलग काम कर रही है। अगर आपको याद हो बेटा, अभी हमें यूनिसेल पढ़ा था, यूनिसेल के अंदर क्या होता है बेटा, एक सेल सारे काम करती है, तो मतलब वहां पर बेटा डिवीजन ऑफ लेबर कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ बेटा अलग अलग सेल्स अलग अलग काम कर रहे हैं, तो मतलब यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलेगा, समझ गए ना। तो एग्जाम्पल मैंने आपको अभी बता दिया बेटा, जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, उसको याद भी रखना है बेटा, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल याद रखना बेटा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट बेटा, भूलना नहीं है। एग्जाम्पल याद रखना वॉलवॉक्स, ठीक है ना, एंड हाइड्रोडिक्टियन, इसकी कॉलोनी के ऊपर क्या मिलेंगे आपको, ऐसे फ्लैजल्स मिलेंगे, ये क्या कर सकता है बेटा, ये मूव कर सकता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं बेटा, मोटाइल सिनोबियम बोलते हैं। लेकिन हाइड्रोडिक्टियन के बाद बेटा कोई भी फ्लैजल नहीं होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं बेटा, नॉन मोटाइल सिनोबियम बोलते हैं, समझ गए ना बेटा, ये याद रहेगा। तो आपने याद रखा बेटा, इंपॉर्टेंट है कि सिनोबियम जो होता है बेटा, सिनोबियम एक ऐसी कॉलोनी होती है बेटा, जिसमें फिक्स्ड नंबर ऑफ सेल्स होती है, जिसमें बेटा कॉलोनी का एक फिक्स्ड शेप होगा एंड फिक्स्ड साइज होगा। और इसके अलावा आपने याद रखा बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखी, आपने याद रखा कि इनके अंदर क्या पाया जाता है, डिवीजन ऑफ लेबर पाया जाता है, ठीक है। और आपने याद रखा वॉलवॉक्स, और वॉलवॉक्स के अंदर आपने बोला बेटा ये मोटाइल सिनोबियम होता है, एंड हाइड्रोडिक्टियन बेटा ये नॉन मोटाइल सिनोबियम होता है, ठीक है ना। अब हम आते हैं सेकंड टाइप के ऊपर बेटा, जो मल्टीसेल्ड कॉलोनियल फॉर्म का सेकंड टाइप है,
तो मल्टीसेलुलर कॉलोनियल फॉर्म का सेकंड टाइप जो होता है बेटा, इसको हम नाम देते हैं पाल्मियोलॉइड कॉलोनियल मल्टीसेलुलर एल्गी, ठीक है ना, पाल्मियोलॉइड कॉलोनियल मल्टीसेलुलर एल्गी बोलते हैं। तो पाल्मियोलॉइड का मतलब क्या होता है, सबसे पहले इसी समझ लीजिए। पाल्मियोलॉइड में क्या होता है बेटा, सबसे पहली चीज आपको याद रखिए, इसमें फिक्स्ड नंबर ऑफ सेल्स नहीं होती है, पहली चीज। दूसरी चीज बेटा, यहाँ पे कॉलोनी का फिक्स्ड शेप एंड साइज नहीं होता, ये इसका दूसरा चीज याद रखना है। और तीसरी चीज याद रखनी बेटा कि यहाँ पे सेल्स जो होते हैं वो लूजली अरेंज होती है, ठीक है। हमने जब कॉलोनियल फॉर्म को शुरू किया था बेटा, हमने बोला था सेल्स पैक्ड होती है टुगेदर, ठीक है। यहाँ पे भी सेल्स होंगी बेटा, आप मतलब आमने सामने, लेकिन लूजली बाउंड होंगी बेटा, लूजली पैक्ड होंगी। और सेल्स जो होते ना बेटा, वो क्या होते हैं, वो एक कॉमन ग्लैंडिनस मटीरियल के अंदर होती है। जस्ट इमेजिन करो बेटा, आपके पास एक जेल का प्लेट है और उस जेल के प्लेट के अंदर आपने बीच में सेल्स रख दी, तो ये जो स्ट्रक्चर बनेगा ना बेटा, जिसमें बाहर म्यूसलीज के समान जेल का स्ट्रक्चर है, म्यूसलीजिनस जेल लाइक स्ट्रक्चर है, और बीच में क्या मिलती है बेटा, लूजली अरेंज्ड सेल्स मिलती है। ऐसे पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, पाल्मियोलॉइड स्ट्रक्चर बोलते हैं, और ऐसी पर्टिकुलर कॉलोनी को हम पाल्मियोलॉइड बोलते हैं, ठीक है। और ऐसे पर्टिकुलर एल्गी को हम पाल्मियोलॉइड मल्टीसेल्ड शबाश कॉलोनियल एल्गी बोलते हैं। समझ गए ना बेटा, तो चलो देख लेते हैं यहाँ पे। तो हम आते हैं बेटा सेकंड टाइप के ऊपर, तो हमने बेटा फर्स्ट टाइप कंप्लीट कर दिया है। अब आते हैं बेटा सेकंड टाइप, ये भी बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूछे जाते हैं एग्जाम, इसमें बार बार यही बोल रहा हूँ। तो हम लिखेंगे बेटा पाल्मियोलॉइड कॉलोनियल मल्टीसेल्ड फॉर्म, मल्टीसेल्ड फॉर्म भी आप लिख सकते, थैलस भी लिख सकते हैं, वन एंड द सेम थिंग है बेटा, ठीक है ना। तो सबसे पहली चीज मैंने आपको ये बोली थी, इनका शेप कैसा होता है, रेगुलर की रेगुलर इरेगुलर शेप होता है, एंड साइज, ठीक है। सेल्स का नंबर डेफिनेट होता है कि बेटा इनडेफिनेट होता है, फिक्स्ड होता है कि अनफिक्स्ड होता है, लो फिक्स्ड नंबर ऑफ सेल्स, लो फिक्स्ड नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है। सेल्स क्या होती है, लूजली पैक्ड होती है, लूजली पैक्ड होती है बेटा, समझिए ना। और किसमें पाए जाते हैं, सेल्स आर प्रेजेंट इन ग्लैंडिनस मास, ठीक है ना। सेल्स जो है वो म्यूसलेज के जैसे, म्यूसलेज लाइक जिलेटिनस मास के अंदर पाए जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये प्लीज याद रख लेना। यानी पाल्मियोलॉइड का स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा, पाल्मियोलॉइड का स्ट्रक्चर ये जेल के समान होता है, ग्लैंडिन के जेल के समान होता है, और जिसके अंदर क्या मिलती है बेटा, बहुत सारी सेल्स मिलती है, ठीक है, और जो लूजली पैक्ड सेल्स होती है। तो ऐसे पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, इसको हम पाल्मियोलॉइड स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको याद रखना है। आप एग्जाम्पल याद रखना बेटा, एग्जाम्पल में होता है इसका टेट्रास्पोरा होता है, कहां पे इधर लिख देता हूं, एग्जाम्पल जो होता है ना वो टेट्रास्पोरा होता है, टेट्रास्पोरा TETRASPORA, टेट्रास्पोरा, तो याद है। अब यहाँ पे एक पॉइंट लिखने वाला बड़ा जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्लाइमेडोमोनास के बारे में याद रखना बेटा, क्लाइमेडोमोनास जो होता है बेटा, क्लाइमेडोमोनास की बॉडी के अंदर बेटा, ठीक है ना, आपको क्या देखने को मिलेगा, पाल्मियोलर स्टेन देखने को मिलेगा, ठीक है ना, ये याद रखते, ठीक है। क्लाइमेडोमोनास में बेटा एलगी भी है, ठीक है ना। तो क्लाइमेडोमोनास एलगी के अंदर आपको क्या मिलेगा बेटा, क्लाइमेडोमोनास एलगी के अगर आप लाइफ साइकिल देखोगे ना, तो इसके लाइफ साइकिल के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, इसके अंदर आपको पाल्मियोलर स्टेज देखेगा। अब पाल्मियोलर स्टेज मतलब ये बेटा, इसकी बॉडी में जब ये मतलब लाइफ साइकिल में बन रहा होगा क्लाइमेडोमोनास, तो इसकी बॉडी के अंदर बेटा एक स्टेज आता है जहाँ पे इसकी बॉडी जेल लाइक होती है, ग्लैंडिनस होती है, ठीक है ना। और उस ग्लैंडिनस अंदर सेल बॉडी के उस ग्लैंडिनस स्ट्रक्चर के अंदर क्या होगा बेटा, इसका सेल स्ट्रक्चर होगा, इसकी सेल होगी, इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, पाल्मियोलर स्टेज बोलते हैं। तो ये बेटा इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, समझ गया ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो याद रखना बेटा, क्लाइमेडोमोनास की बॉडी के अंदर क्या पाया जाता है, पाल्मियोलर स्टेज पाया जाता है। पाल्मियोलर स्टेज क्या होता है बेटा, इट्स अ मल्टीसेलुलर स्टेज, जिसमें अंदर क्या होता है बेटा, बाहर ग्लैंडिनस मटेरियल होगा, जेल के समान पदार्थ होगा, और उसके बीच में क्या पाए जाते हैं बेटा, सेल्स पाए जाते हैं, जो लूजली पैक्ड सेल्स होती है, समझ गया ना बेटा। तो आपने याद रखा बेटा, हम मल्टीसेलुलर की बात कर रहे थे,
हमारे रिसर्च को हमने बेटा कॉलोनियल फॉर्म से शुरू करा था। हमने बोला था बेटा कॉलोनियल फॉर्म बेटा एक ऐसा फॉर्म होता है जहाँ पे ऑर्गेनिज्म जो होता है बेटा ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत सारी सेल्स होंगी, ठीक है ना, और वो सेल्स बेटा क्लोजली पैक्ड होती है टुगेदर और एक कॉलोनी बनाती है। अब कौन कौन सी कॉलोनी बनाते हैं, हमने बोला बेटा सिनोबियम कॉलोनी बना सकती है जिसमें फिक्स्ड शेप होगा, फिक्स्ड साइज होगा, फिक्स्ड नंबर ऑफ सेल्स होंगी बेटा, ठीक है ना, आपने याद रखा इसको। और आपने बोला बेटा कि सिनोबियम दो प्रकार के होते हैं, मोटाइल एंड नॉन मोटाइल। मोटाइल सिनोबियम होगा तो उसको वॉल बॉक्स बोलते हैं, नॉन मोटाइल सिनोबियम तो हाइड्रोटिक क्यून बोलते हैं। सेकंड आपने बोला बेटा पॉलीनॉइड कॉलोनी भी बनती है, बिकॉज ऑफ कॉलोनी फॉर द पॉलीनॉइड कॉलोनी की प्रॉपर्टी क्या होते हैं, इरेगुलर शेप, इरेगुलर साइज एंड नो फिक्स्ड नंबर ऑफ सेल्स वाई करती है बेटा, समझ गया ना। और इसके अलावा बेटा आपने याद रखा दूसरी पैकेट सेल्स होती है और इनकी बॉडी बेटा बाहर में उसने इसका कवर होगा। एग्जाम्पल याद रखना टेट्रासिफोरा, और याद रखना बेटा कि क्लाइमेटोमोनास की बॉडी के अंदर एक स्टेज पाया जाता है जिस स्टेज के अंदर क्या होता है बेटा पालमुला स्टेज पाया जाता है, समझ गए ना। चलिए आगे बढ़ते थे, दो हो गए। अब आते हैं थर्ड टाइप के ऊपर, तो ये हमने कंप्लीट कर दिया, ये हमने कंप्लीट कर दिया। अब आते हैं थर्ड पॉइंट डेंड्रोइड। डेंड्रोइड कॉलोनियल मल्टीसेल्ड फॉर्म तो
ये कंप्लीट हो जाता है बेटा क्या आपका फर्स्ट मल्टीसेल्यूलर फॉर्म जिसको हम कॉलोनियल फॉर्म बोलते हैं, ठीक है ना। तो कॉलोनियल फॉर्म में बेटा अभी तक हमने क्या पढ़ा, कॉलोनियल फॉर्म में बेटा हमने अभी तक पढ़ा कि एक बेटा मल्टीसेल्यूलर कॉलोनी होती है जिसमें बेटा मेन सेल से कॉलोनी बनाई जाती है, और इस मल्टीसेल्यूलर कॉलोनी के बेटा चार मेन टाइप्स है जिसमें से हमने सबसे बेटा सोनोबियम टाइप पढ़ा। सोनोबियम के अंदर आपने याद रखा बेटा कि ये कॉलोनी एक ऐसी कॉलोनी है जो मेनी सेल्स की बनी है, जहां पे सेल्स का नंबर बेटा फिक्स होता है, जहां पे सेल्स का शेप और फिर कॉलोनी का शेप भी क्या होता है बेटा फिक्स होता है, समझ गया ना। आपने याद रखा बेटा कि सोनोबियम कॉलोनी के अंदर डिविजन ऑफ लेबर पाया जाता है, अलग अलग सेल्स अलग अलग काम करती है, समझ गया ना। एग्जाम्पल आपने याद रखा बेटा वॉलबॉक्स जो एक मोटाइल सिनोबियम होता है, एंड हाइड्रोडिक्टियन जो एक नॉन मोटाइल सिनोबियम होता है। फिर आपने सेकंड पढ़ा बेटा पाल्मोलॉइड कॉलोनी, तो पाल्मोलॉइड कॉलोनी के अंदर आपने याद रखा बेटा इनका कोई रेगुलर शेप नहीं होता, इनका कोई रेगुलर साइज नहीं होता, ये कॉलोनी बेटा फिक्स्ड नहीं होता, तो ये एक अनफिक्स्ड या नॉन फिक्स्ड कॉलोनी होती है बेटा, और इनके अंदर डिविजन ऑफ लेबर भी देखने को नहीं मिलता है। तो आपने इंपॉर्टेंट इसको याद रखा। एग्जाम्पल के तौर पर बेटा आपने याद रखा था टेट्रास्पोरा बेटा पाल्मोलॉइड कॉलोनी बनाता है, और क्लाइमेडोमोनास की बॉडी के लाइफ स्पैन में एक बार क्या आता है बेटा पाल्मेला स्टेज आता है, समझ गया ना। उसके बाद आपने याद रखा बेटा कि और एक कॉलोनी जो होती है बेटा वो ट्री के समान कॉलोनी होती है, ठीक है ना, इसको हम डेंड्रोइड कॉलोनी बोलते हैं, ये भी कॉलोनियल फॉर्म में आता है बेटा। एग्जाम्पल आपने याद रखा बेटा एकेलोसिस्टिस या कैलोसिस्टिस, आप याद रख लीजिए बेटा। एंड लास्ट आपने याद रखा बेटा उनका लास्ट टाइप जो होता है बेटा राइजोफाइट होता है, यहाँ पे सेल्स के पास सूडोपोडिया पाया जाता है, सूडोपोडिया लेकिन आप उसे फिक्स्ड रहते हैं, एग्जाम्पल बेटा क्राइसिडाइएस्टर, समझ गए ना बेटा। ये हमारा कॉलोनियल फॉर्म क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, समझ आ रहा है ना बेटा। चले अब हम क्या करते हैं बेटा, अब हम कॉलोनियल फॉर्म को रब कर देते हैं, तो शुरू करते हैं बेटा सेकंड पार्ट से बेटा, वो है फिलामेंटस कॉलोनीज, ठीक है ना। चलिए पार्ट पे आते हैं बेटा, तो हेडिंग डाल देते हैं फिलामेंटस मल्टीसेल्यूलर हैलस, ठीक है। तो ये बेटा अलग टाइप है, ये कॉलोनियल टाइप नहीं है बेटा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये बेटा फिलामेंटस मल्टीसेल्यूलर टाइप, ठीक है ना। अब फिलामेंटस मल्टीसेल्यूलर टाइप का मतलब क्या होता है बेटा, आप समझ ही गए होंगे, आप समझ जा रहे होंगे फिलामेंटस मल्टीसेल्यूलर टाइप का मतलब क्या होता है बेटा। यहाँ पे कॉलोनी कैसी होती है बेटा, एक थ्रेड के समान होती है, एक धागे के समान होती है, फिलामेंट के समान होती है। वहां पे बेटा कॉलोनी कैसी होती है, कॉलोनी के वहां पे बेटा मल्टीसेल्यूलर फॉर्म में कॉलोनियल फॉर्म में कॉलोनी के समान ऑर्गेनिज्म रहते थे, कॉलोनी के अलग अलग शेप्स हो सकते थे, ट्री के समान शेप हो सकता, कोई शेप नहीं हो सकता था, ठीक है ना, या कोई फिक्स्ड शेप हो सकता था। तो ये हमने वहां पे पढ़ लिया था कॉलोनियल फॉर्म, लेकिन फिलामेंटस फॉर्म जो होता है बेटा, फिलामेंटस फॉर्म के अंदर आपको कॉलोनी हमेशा कैसे मिलेगा बेटा, स्ट्रेट मिलेगा, ठीक है ना, लीनियर मिलेगा और फिलामेंट के समान मिलेगा, या आपको जो है थ्रेड के समान मिलेगा। तो अगर एल्गी जो है बेटा वो जुड़ रहे हैं आपस में, बहुत सारी एल्गी की सेल्स बेटा आपस में जुड़ रही है, जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी एल्गी की सेल्स बेटा आपस में ऐसे जुड़ रही है, ठीक है ना, और क्या कर रही है, एक फिलामेंट के समान स्ट्रक्चर बना रही है, एक लीनियर फिलामेंट बना रही है बेटा। तो ऐसी पर्टिकुलर कॉलोनी को, ऐसी पर्टिकुलर मल्टीसेलुलर टेलस फॉर्म क्या बोलते हैं, फिलामेंटस टेलस फॉर्म, समझ गए ना। यानी बहुत सारी सेल्स बेटा जुड़ रही है आपस में और एक लीनियर स्ट्रक्चर बना रही है, एक थ्रेड के समान स्ट्रक्चर बना रही है, तो ऐसे पर्टिकुलर मल्टीसेलुलर टेलस फॉर्म क्या बोलते हैं, इसको हम फिलामेंटस फॉर्म बोलते हैं या फिलामेंटस थैलॉइड फॉर्म बोलते हैं, समझ गए ना। यानी फिलामेंटस के बारे में सबसे पहली चीज जो आपको याद रखनी है, जो इम्पोर्टेंट है बेटा याद रखने के लिए, एक ऐसी कॉलोनी होती है बेटा जो मल्टीसेलुलर होती है सबसे पहले, ठीक है ना, और मल्टीसेलुलर के साथ साथ कैसी होती है बेटा, ये थ्रेड लाइक कॉलोनी होगी, मल्टीसेलुलर होगी बेटा, और जब इसकी बेटा इंडिविजुअल सेल्स जुड़ेंगी वो क्या करती है बेटा, वो धागे के समान, एक थ्रेड के समान क्या बनाती है बेटा, स्ट्रक्चर बनाती है, समझ गए कि नहीं समझ गए। अब ये जो मल्टीसेलुलर थायराइड कॉलोनी जो होती है बेटा, ठीक है ना, इसके कुछ टाइप्स है बेटा जो इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इधर बना देता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल पहला टाइप जो आएगा बेटा इसका वो आएगा अनब्रांच्ड फिलामेंटस, अनब्रांच्ड फिलामेंटस,
ठीक है ना, ये इसका फर्स्ट है बेटा। सेकंड है बेटा सिंपल ब्रांचिंग, सिंपल ब्रांचड फिलामेंटस, एंड थर्ड है बेटा हेटरोट्राइटस फिलामेंटस। थर्ड है बेटा हेटरोट्राइटस, जो बेटा मेनी सेल्स का बनता है, सेल्स जब जुड़ती है वो कैसे जुड़ती है, वो लीनियरली जुड़ती है, फिलामेंट के या थ्रेड के समान स्ट्रक्चर बनाती है। अब वो थ्रेड जो बन रहा है बेटा, उसके अंदर ब्रांच निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? निकल रहा है बेटा तो क्या बोलेंगे? अगर ब्रांच सीधा साधा निकल रहा है, नॉर्मल ब्रांच निकल रही है तो क्या बोलते हैं, या अगर डिफरेंट ब्रांच निकल रही है तो क्या बोलते हैं? इसके बेस पे इसके तीन टाइप है, ठीक है ना। तो पहला कौन सा बेटा? पहला है अनब्रांच्ड फिलामेंटस। तो बताओ बेटा, आप समझदार बच्चे, मेरे को बताइए अनब्रांच्ड फिलामेंटस के अंदर कोई ब्रांच बनेगा, कोई एक्सटेंशन निकलेगा? नहीं निकलेगा बेटा। तो एग्जाम्पल याद रखिए, इसमें मेरा नो ब्रांच फॉर्म, मतलब बेटा ये ऐसी कॉलोनी होगी ऐसे लीनियरली जुड़ेगी इस तरीके से, और कोई साइड में स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। तो ऐसा एक लीनियर कॉलोनी होगा, सीधा सीधा कॉलोनी होगा बेटा इस तरीके का, जिसको हम अनब्रांचड फिलामेंटस बोलते हैं। एग्जाम्पल्स बेटा इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है बेटा, इंपॉर्टेंट। फर्स्ट याद रखना स्पायर वगैरह, तो याद रखना बेटा स्पायर वगैरह क्या होता है बेटा, ये सबसे पहले फिलामेंटस होता है। फिलामेंटस में कैसा होता है बेटा? अनब्रांचड फिलामेंटस होता है। सेकंड यूलोथ्रिक्स, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है बेटा, प्लीज याद रख देना, ठीक है। तो स्पायर वगैरह है बेटा यूलोथ्रिक्स है, ग्लूगोनिया में, एंड अगर ब्लूग्रीन एलिवेसी को उठा ले बेटा तो नॉस्टॉक आएगा, ठीक है ना। तो ये क्या होते हैं बेटा? दे आर अनब्रांचड फिलामेंटस, समझ गए ना बेटा। अब आते हैं सिंपल ब्रांच के ऊपर। तो सिंपल ब्रांच में बेटा ब्रांच प्रेजेंट होती है, ब्रांच प्रेजेंट, लेकिन ब्रांच कैसे होते हैं? नॉर्मल ब्रांच होते हैं, जैसे मान लो ये स्ट्रक्चर बेटा ऐसे, यहां पर बेटा ऐसे ब्रांच निकलेगा इस तरीके से, एक नॉर्मल सिंपल ब्रांच निकलता है बॉडी में ऐसे बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं? सिंपल ब्रांच बोलते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल याद रखें, एग्जाम्पल इंपोर्टेंट है, क्लेप्टोफोरा, समझ गए ना बेटा। तो अनब्रांचड आपने याद रखा बेटा, अनब्रांचड कैसा होता है, ठीक है ना। तो याद रखा बेटा हमें अनब्रांचड एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें कोई ब्रांच नहीं है। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है बेटा, एग्जाम्पल है स्पायर वगैरह, यूलोथ्रेक्स, ठीक है ना, एंड उडोगोनियम एंड नॉस्टॉक। सिंपल ब्रांच बेटा ब्रांच होगी, नॉर्मल ब्रांच होगी बेटा, ठीक है ना। तो याद रखा बेटा क्लेप्टोफोरा। अब आते हैं बेटा किसके ऊपर? अब आते हैं हेटरोट्राइकस ब्रांच फिलामेंटस के ऊपर। यहाँ पे क्या होता है बेटा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे याद है, यहाँ पे बेटा एक फिलामेंट बेटा लीनियर होगा, लीनियर फिलामेंट होगा बेटा विथ इरेक्ट ब्रांच, मतलब बेटा ये कुछ ऐसा दिखने में होगा, ये बेटा इसका लीनियर फिलामेंट है ऐसे, ठीक है ना। और इस लीनियर फिलामेंट के ऊपर क्या होगा बेटा? इसके ऊपर ऐसे इरेक्ट ब्रांच होगी इस तरीके से, ऐसे, समझ गया बेटा। तो यहां पर कंफ्यूज नहीं होना बेटा, यहां पर भी तो ब्रांच होती है, बेटा सिंपल ब्रांच होती है, ठीक है ना, ये ओब्लिक ब्रांच होती है। लेकिन यहां पर हेटरोट्राइकस ब्रांच और फिलामेंटस में क्या होती है बेटा? यहां पर इरेक्ट ब्रांच होती है, ऊपर के साइड साइड ब्रांच होती है। तो ऐसी बड़ी बड़ी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? इसको हम हेटरोट्राइकस ब्रांच बोलते हैं। एग्जाम्पल याद रखना बेटा एक्टोकार्पस, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल याद रखना एक्टोकार्पस, फर्स्ट चेला,
याद रखना बेटा एग्जांपल हेक्टर का फ्रेश चला एंड सीरो की भी याद रखनी बेटा सीरो की ये बेटा इसमें क्या होती है इसकी एग्जांपल्स होती है समझ गया ना। यहां पर बेटा हमारा फिलामेंटस फॉर्म क्या हो जाता है फिलामेंटस फॉर्म खत्म हो जाता है। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा बेटा हमने अभी तक यूनिसेल फॉर्म पढ़ा यूनिसेल में आपको रिवाइज थोड़ा थोड़ा करा यूनिसेल फॉर्म में आपने सिनोबियम पढ़ा आपने पाल्मुलॉइड पढ़ा आपने डेंड्रोइड पढ़ा ठीक है ना एंड आपने राइजोकोइडल पढ़ा ठीक है ना। आपने याद रखा बेटा सिनोबियम के अंदर फिक्स्ड नंबर ऑफ सेल्स फिक्स्ड शेप एंड साइज मोटाइल वॉल बॉक्स एंड नॉन मोटाइल बेटा हाइड्रोडिक्टियम ठीक है ना। इसके बाद आपने पाल्मुलॉइड याद रखा पाल्मुलॉइड के अंदर आपने याद रखा बेटा कि पाल्मुलॉइड के अंदर कोई फिक्स्ड शेप एंड साइज नहीं होता है ठीक है ना। ग्लेटिनस मटीरियल होता है ग्लेटिनस जेल लाइक मटीरियल के अंदर बेटा क्या होंगी लूजली पैक्ड सेल्स होंगी बेटा ठीक है ना और इंपॉर्टेंट था वो भी और वो आपने याद रखा बेटा ठीक है। और इम्पोर्टेंट चीज याद रखनी बेटा कि क्लाइमेडोमोनास की बॉडी के अंदर बेटा एक स्टेज आता है वो कैसा होता है पाल्मुला स्टेज होता है और आपने पाल्मुलॉइड का अपना एग्जांपल जो याद रखा वो टेट्रास्पोरा याद रखा ठीक है ना। फिर हम उसके बाद आया बेटा थर्ड टाइप के ऊपर उसको हमने बेटा डेंड्रोइड बोला ट्री के समान कॉलोनी होती है बेटा ठीक है ना। तो एकलोसिस्टस आपने उसका एग्जांपल याद रखा एंड लास्ट बेटा राइजोपोडल इंडिविजुअल सेल्स के छोटे छोटे राइजोपोड्स होंगे ठीक है या सूडोपोडियाज होंगे सूडोपोडिया आपस में फ्यूज रहते हैं बेटा तो ऐसी कॉलोनी को हम क्या बोलते हैं बेटा राइजोपोडियल कॉलोनी बोलते हैं समझ गया ना बेटा। फिर हम आए बेटा फिलामेंटस की तरफ तो आप याद है बेटा फिलामेंटस कॉलोनी एक ऐसी कॉलोनी होती है बेटा जिसके अंदर लीनियर थ्रेड लाइक फिलामेंट्स बनते हैं। अब फिलामेंटस कॉलोनी के अंदर बेटा थ्रेड ब्रांचड होगा कि अनब्रांचड होगा इसके बेसिस पे इसके तीन टाइप्स है या तो अनब्रांचड हो सकता है बेटा जिसको कोई ब्रांच वांच नहीं होगा एग्जाम्पल आपने याद रखा बेटा स्पायर वगैरह याद रखा उडोगो ने भी याद रखा यूरोथ्रिक्स याद रखा जो इसके इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है एंड अगर ब्लू ग्रीन एल्गे से ले रहे तो नॉस्टॉप भी ले सकते हैं। ब्रांचड बेटा दो प्रकार की होती है सिंपल ब्रांचड एंड शबाश आप बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स ब्रांचड। सिंपल ब्रांच बेटा नॉर्मल ऑब्लिक ब्रांच बनती है बेटा ठीक है ना एग्जाम्पल आपने याद रखा क्लेप्टोफोरा और कॉम्प्लेक्स ब्रांच में बेटा इरेक्ट ब्रांच बनती है बेटा स्ट्रेट ब्रांच बनती है इसको हम हेटरोट्राइकस ब्रांचड बोलते हैं बेटा ठीक है ना। तो एग्जाम्पल आपने याद रखा बेटा इसका एग्जाम्पल याद रहा है एक्टोकार्पस फ्रिस्ट चला एंड सीलोकीट आपने इसका एग्जाम्पल याद रखा समझ गया ना बेटा। ये हमारे दो मेन पोर्शन जो बेटा मल्टीसेल के खत्म हो जाते हैं। अब हम आते हैं बेटा थर्ड की तरफ बेटा जिसको हमने क्या बोला सिफाइलिस बोला था ठीक है ना। ये जो रख कर चलिए तो ये बेटा दो टाइप्स खत्म हो जाते हैं। अब हम बेटा थर्ड टाइप की तरफ आते हैं जो इम्पोर्टेंट है बेटा जो याद रखना है जिसको बोलना नहीं बेटा वो है सिफाइलिस फॉर्म सिफाइलिस मल्टीसेल थैलस ठीक है या सिफाइलिस मल्टीसेल फॉर्म भी बोल सकते बेटा वन एंड द सेम ठीक है ना। तो सिफाइलिस मल्टीसेल फॉर्म जो होती है बेटा इसका करेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है बेटा इसके चार करेक्टरिस्टिक फीचर से जो आपको याद रखना है सबसे पहले बेटा याद रखना है कि सिफाइलिस मल्टीसेल फॉर्म जो बेटा ये सीनोसाइटिक होता है ठीक है ना। सीनोसाइटिक का मतलब क्या होता है बेटा ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होगा हमने आगे पढ़ा बेटा इसको फंजस के अंदर तो याद रखना सीनोसाइटिक मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है इसका फर्स्ट करेक्टरिस्टिक फीचर होता है बेटा जो आपको याद रखना है समझ गए ना। सेकंड बेटा याद रखना बेटा कि थैलस भी कैसा होगा मल्टी न्यूक्लिएट थैलस होगा मल्टी न्यूक्लिएट थैलस होगा समझ गए ना बेटा। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक फीचर याद रखना बेटा इसके अंदर सेप्टा नहीं होता इट लैक्स सेप्टेशन। सेप्टा पता है ना बेटा जो दो सेल्स के बीच में क्या होता है डिविजन होता है जो दो सेल्स के बीच में जैसे हमने फंजी में पढ़ा था ये अगर बेटा हाइफे है हाइफे के अंदर बेटा अगर यहाँ पे डिविजन है डॉलिक फॉर्म सेप्टा सिंपल सेप्टा ये डिविजन फॉर्म सेप्टा बोलते हैं यहाँ बेटा कोई भी सेप्टेशन देखने को आपको नहीं मिलेगा समझ गया ना। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन याद रखिए बेटा इनकी बॉडी के अंदर इंपॉर्टेंट है नोट ठीक है ना। सफाइडस फॉर्म की बॉडी के अंदर बेटा सेप्टा बनता है सेप्टा इज फॉर्म ओनली ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और व्हेन सेक्स ऑर्गन्स आर फॉर्म्ड और व्हेन
सेक्स ऑर्गेनिज्म फॉर्म, ठीक है ना। तो मतलब ऐसी कॉलोनी बेटा जो सीनोसाइट देखे मल्टी न्यूक्लियेटेड है बेटा, जिसके अंदर सेपरेशन वेपरेशन देखने को नहीं मिलेगा बेटा, ऐसी कॉलोनी को हम क्या बोलते हैं सुफाइनस फॉर्म, ऐसी कॉलोनी की बेटा ऐसे थैलस फॉर्म क्या बोलते हैं सुफाइनस थैलस बोलते हैं, सुफाइनस मल्टीसेलुलर थैलस बोलते हैं, समझ गया ना। एग्जाम्पल याद रख लीजिए बेटा, एग्जाम्पल है वोकेरिया एंड प्रोटोसाइफॉन, पैरेंकाइमेटस को हम कहते हैं पैरेंकाइमेटस क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो बेटा स्ट्रक्चर होता है ये प्लांट के पैरेंकाइमा के जैसा होता है, समझ गए ना। ये लीफ के समान होता है बेटा, सेल्स जो होते हैं बेटा ये अरेंज होते हैं पैरेंकाइमा के जैसे, ठीक है। तो पैरेंकाइमेटस क्यों बोलते हैं, बिकॉज ये लीफ लाइक होता है बेटा, ठीक है ना, फोलियोस थैलस होता है, मतलब लीफ के जैसा थैलस होता है बेटा, सेल्स arranged as plant parenchyma, और सेल बेटा लूजली अरेंज होती है, लूजली अरेंज सेल्स, ठीक है ना। तो जिस कॉलोनी की सेल्स जिस जो जो मल्टीसेलुलर थैलस बेटा लीफ के जैसा हो, फोलियोस मतलब लीफ के समान थैलस हो बेटा, सेल्स बेटा पैरेंकाइमा के जैसे अरेंज्ड और लूजली अरेंज्ड सेल्स होते हैं, इसको हम क्या नाम देते हैं, इसको हम नाम देते हैं पैरेंकाइमेटस मल्टीन्यूक्लिएटेड थैलस नाम देते हैं, समझे ना। एग्जांपल याद रखना है बेटा, एग्जांपल याद रखना सर्गेसम एंटीरोमॉर्फा एंड यूएलबी, समझ गया ना बेटा। ये हमारा थैलस ऑर्गेनाइजेशन क्या हो जाता है बेटा, खत्म हो जाता है, ये याद है बेटा। तो थैलस ऑर्गेनाइजेशन बेटा हमने फिनिश कर दिया, ठीक है ना। तो हमने बेटा थैलस ऑर्गेनाइजेशन शुरू करा था बेटा यूनिसेल से एंड मल्टीसेल से। यूनिसेल के अंदर आपने याद रखा बेटा फ्लैजिलेटेड होता है बेटा, जिसमें फ्लैजिला होगा, ठीक है ना, जो मोटाइल होंगे बेटा वोलॉक्स की केस में, नॉन मोटाइल होंगे हाइड्रोडिक्टियन की केस में, समझ गया ना। तो उसके पास फ्लैजिला होता था। फिर आपने सेकंड देखा था बेटा एमोबॉइड होता है, एमोबॉइड या राइजोपॉडल जिनको बोलते हैं, जिनके अंदर सूडोपोडिया पाए जाते हैं बेटा, ठीक है ना। और थर्ड आपने याद रखा था बेटा जिनके अंदर ना तो सूडोपोडिया होगा ना तो फ्लैजिला होगा, उनको हम कोकोडियल बोलते हैं, समझ गए ना। फिर हम मल्टीसेल पे आए थे, तो मल्टीसेल के अंदर बेटा कॉलोनियल फॉर्म आपने देखा, कॉलोनियल फॉर्म की आपने टाइप्स देखी बेटा, सिनोबियम सिनोबियम आपने देखा, पाल्मोलॉइड आपने देखा, डेंड्रोइड आपने देखा, ठीक है ना, एंड राइजोपॉडल आपने देखा। फिर आपने सेम तरीके से बेटा फिलामेंटस फॉर्म देखा, फिलामेंटस के अंदर बेटा ब्रांचेड फिलामेंटस अनब्रांचेड फिलामेंटस, ब्रांचेड फिलामेंटस होगा तो बेटा या तो सिंपल ब्रांच होगा या तो हेटरोट्रैक्स ब्रांचेड होगा, एंड अनब्रांचेड होगा बेटा तो सिंपल ब्रांच पाई जाती है, उसमें कोई ब्रांचिंग वाचिंग, अनब्रांचेड बेटा कोई ब्रांचिंग वाचिंग देखने को आपको नहीं मिलती, ठीक है ना। फिर उसके बाद आपने देखा बेटा फिलामेंटस के पास स्पाइनस हो सकता है, स्पाइनस बेटा सोनोसाइटिक होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, ठीक है ना, और लूजली अरेंजेड सेल्स होते हैं बेटा। और उसके बाद हमने पैरेंकाइमेटस देखा, पैरेंकाइमेटस लीफ के समान होता है, लूजली अरेंजेड सेल्स होते हैं। तो ये हमारा बेटा थैलस ऑर्गेनाइजेशन खत्म हो जाता है। तो बताओ मेरे को बेटा टफ है क्या ये, बिल्कुल भी टफ नहीं है, लेकिन आपको बेटा अच्छे से इसको पढ़ाई करनी है तो ये बिल्कुल टफ लगेगा भी, समझ गया ना। तो अब हम क्या करते हैं बेटा, अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, वो है सेल स्ट्रक्चर, ठीक है ना। अब आते हैं किसके ऊपर, सेल स्ट्रक्चर इन एल्गम, सेल स्ट्रक्चर इन एल्गम में बेटा लिख नहीं रहा हूं, ठीक है ना। तो मैं आपको बता देता हूँ बेटा कुछ पॉइंट्स, तो आप इसको नोट डाउन, और इसके नोट्स एल्गे के शायद मैं नोट्स नहीं दे पाऊंगा, इसलिए बेटा इसको अच्छे से नोट्स बना लेना। सेल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें बेटा, तो एल्गे के अंदर बेटा आपको तीन प्रकार की सेल्स देखने को मिलती है। हालांकि एल्गे बेटा किंगडम यूकेरियोट्स का है, लेकिन यहाँ पे आपको बेटा सेल्स जो है तीन प्रकार की देखने को मिलेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बेटर देखें कि अगर कोई एल्गा प्रोकैरियोटिक नेचर के, मतलब आपको कुछ एल्गास ऐसे भी देखने को मिलेंगे बेटा जो प्रोकैरियोटिक एल्गास है,
तो प्रोकैरियोटिक एल्गा बेटा कौन सा एल्गा होता है जिसकी सेल कैसे होंगी? प्रोकैरियोटिक होंगी, लेकिन बाकी फीचर्स कैसे होंगे बेटा उसके? एल्गी के जैसे होंगे, मतलब फोटोसिंथेसिस करेगा, उसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स पाए जाएंगे, डैश इंडेक्स, ठीक है ना। तो याद रखना बेटा कि प्रोकैरियोटिक एल्गा जो होता है, प्रोकैरियोटिक एल्गा का एग्जांपल जो है बेटा वो याद रखना ब्लू ग्रीन एल्गा होता है। ओनली ब्लू ग्रीन एल्गा जो है बेटा वो एक प्रोकैरियोटिक एल्गा होता है, समझ गए ना। सेकंड आते हैं बेटा मीजोकैरियोटिक एल्गा के ऊपर। तो मीजोकैरियोटिक एल्गा बेटा एक ऐसा एल्गा होता है जिसके अंदर बेटा न्यूक्लियस तो है यूकेरियोट्स के जैसा, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर आपको हिस्टोन प्रोटीन्स देखने को नहीं मिलेंगे। न्यूक्लियस यूकेरियोट्स के जैसा है, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर बेटा हिस्टोन प्रोटीन्स देखने को नहीं मिल रहे। तो ऐसे पर्टिकुलर एल्गा को हम क्या नाम देते हैं बेटा? इसको मीजोकैरियोटिक एल्गा नाम देते हैं। एग्जाम्पल बता बेटा, हमने पढ़ा हुआ है, एग्जाम्पल क्या आएगा? एग्जाम्पल आएगा बेटा इसका, याद रखना है, डायनोफ्लाजेलेट्स, समझ गए ना बेटा। फिर आते हैं यूकेरियोटिक एल्गास। तो जितने भी एल्गास होते हैं बेटा दे ऑल आर यूकेरियोटिक इन नेचर। सारे एल्गास कैसे होते हैं? बचे हुए डायनोफ्लाजेलेट को छोड़ दीजिए बेटा, ब्लू ग्रीन एल्गो को छोड़ दीजिए, तो बाकी जो एल्गास होते हैं बेटा वो नेचर में कैसे होते हैं? वो यूकेरियोटिक एल्गास होते हैं, समझ गए ना। आपने बेटा सेल स्ट्रक्चर याद है। अगर हम बेटा सेल के सेल वॉल की बात करें तो एल्गास के अंदर बेटा सेल वॉल जो होता है ये दो लेयर्स का बना हुआ सेल वॉल होता है, ठीक है। एल्गास के अंदर बेटा जो सेल वॉल होता है ये टू लेयर सेल वॉल होता है, आउटर लेयर एंड इनर लेयर। आउटर लेयर जो होता है बेटा उसके अंदर पेक्टिन पाया जाता है। आउटर लेयर के अंदर क्या पाया जाता है याद रखना बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। आउटर लेयर के अंदर क्या पाया जाता है? पेक्टिन पाया जाता है, PECTIN, पेक्टिन पाया जाता है, ठीक है ना। इस पेक्टिन का होता क्या बेटा कि एल्गास पानी में रहते हैं, जो एल्गास वाटर में रहता है, तो ये पेक्टिन आहिस्ता आहिस्ता बेटा क्या होने लगता है? डिजोल्व होने लगता है इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, डिजोल्व इन होने लगता है इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। और इसके डिजोल्व होने की वजह से क्या बनता है बेटा? म्यूसिलेज बनता है, समझ गया ना। यानी एल्गा का जो सेल वॉल है बेटा वो दो पार्ट्स में बटा हुआ था, आउटर सेल वॉल एंड इनर सेल वॉल, आउटर पार्ट ऑफ सेल वॉल एंड इनर पार्ट ऑफ सेल वॉल। तो याद रखना बेटा कि आउटर पार्ट ऑफ सेल वॉल जो होता है बेटा, आउटर पार्ट ऑफ सेल वॉल बनता है पेक्टिन का। पेक्टिन बेटा आहिस्ता आहिस्ता पानी के प्रोसेस में डिजोल्व होने लगता है, म्यूसिलेज बनाता है। इसीलिए आपको बेटा एल्गा कैसे देखते हैं? चिपचिपे देखते हैं। अगर आपने देखा होगा बेटा रॉक्स वॉक्स के ऊपर वो चिपचिपाहट जो होती है, वो स्लिपरी नेचर जो रॉक्स का होता है बेटा वो किसकी वजह से होता है? वो बिकॉज ऑफ द ग्रोथ ऑफ एल्गीज की वजह से होता है। वो स्लिपरी हो जाती है बेटा बिकॉज उनका पेक्टिन क्या होने लगता है बेटा? म्यूसिलेज के अंदर कन्वर्ट होने लगता है, ये याद रखना है। और इनका मेन कंपोनेंट जो सेल वॉल का होता है बेटा वो सेलुलोज होता है। यानी एल्गा का सेल वॉल जो है बेटा वो पेक्टिन एंड सेलुलोज का बना है, ठीक है ना। तो पेक्टिन तो डिजोल्व होता रहता है बेटा, लेकिन मेन कंपोनेंट बचता कौन है बेटा? सेलुलोज बचता है, याद रखना है। अब हमारे पास कुछ एल्गीज ऐसे भी बेटा जिनके अंदर सेल वॉल के अंदर सेलुलोज एंड पेक्टिन नहीं होता, कुछ और चीजें होती है। जैसे फॉर एग्जांपल ब्लू ग्रीन एल्गा की बात करेंगे बेटा, ब्लू ग्रीन एल्गा के अंदर पेप्टिडोग्लाइकन पाया जाता है। डायटम्स के अंदर बेटा सिलिकिफाइड सेल वॉल पाया जाता है, याद रखिए सारे पॉइंट्स लिख देना बेटा कॉपी में। डायटम्स के अंदर सिलिकिफाइड सेल वॉल पाया जाता है, हमने आगे पढ़ा है, जिसकी वजह से डायटमेशियस अर्थ बनती है बेटा, याद है ना, ठीक है, जिसको हम किसल क्योर भी बोलते हैं। और इन ब्लू ग्रीन एल्गा के अंदर पेप्टिडोग्लाइकन का सेल वॉल बनता है। अब याद रखना बेटा कारा एक अलगा होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, कारा एक अलगा होता है बेटा जिसके सेल वॉल के अंदर आपको क्या मिलेगा? कैल्शियम कार्बोनेट भी मिलेगा, इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कारा एक अलगा होता है बेटा जिसके सेल वॉल के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? कैल्शियम कार्बोनेट भी देखने को मिलेगा, समझ गए ना। तो ये तो सेल वॉल की बात हमने करी बेटा। अंदर वाली सेल को आपको पता है बेटा, वो मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है। अंदर जितनी भी यूकेरियोटिक सेल ऑर्गेनेल्स होती है, सारी की सारी यूकेरियोटिक सेल ऑर्गेनेल्स देखने को मिलती है बेटा, उसमें कोई टेंशन नहीं, ठीक है ना। जैसे यूकेरियोटिक न्यूक्लियस होता वैसे बेटा इनका भी होता, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अब याद रखना बेटा कि अगर एल्गी के पास फ्लैजेला हो, ठीक है ना, याद रखना बेटा प्रोकैरियोटिक एल्गास के पास फ्लैजेला नहीं होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रोकैरियोटिक एल्गास के पास फ्लैजेला नहीं होता है, तो फ्लैजेला बेटा यूकेरियोटिक एल्गास के पास होता है। और इनका फ्लैजेला बेटा 9+2 अरेंजमेंट दिखाता है, ठीक है। इनके फ्लैजेला के अंदर माइक्रोट्यूबुल्स जो है बेटा वो क्या दिखाते हैं? 9+2 अरेंजमेंट दिखाते हैं, इंपॉर्टेंट है। और साथ में याद रखना बेटा प्रोकैरियोटिक एल्गास के पास फ्लैजेला देखने को नहीं मिलता, समझ गए ना। चलिए बाकी आपको पता है बेटा इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होगा, ठीक है ना, इनके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होंगे बेटा, तो वो मेरे को बोलने की जरूरत नहीं, ठीक है ना। और एक चीज याद रखना बेटा जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, एल्गास के अंदर बेटा मैक्सिमम भी याद रखिए, एल्गास के अंदर बेटा जो मिनिमम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, मिनिमम नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है बेटा, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखना। एल्गास के अंदर अभी तक जो देखा गया है मिनिमम नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं बेटा वो दो होते हैं, ठीक है ना, टू होते हैं, ठीक है ना।
किस अलगा के पास फायर सकता है? एग्जाम्पल याद रखना, पोर फायरा लीनियरिस, एल आई एन ई ए आर एस। तो पोर फायर लीनियरिस जो होता है बेटा, ये एक अलगा होता है जिसके अंदर सबसे कम क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 2 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। समझ गए? आप सेकंड देखिए बेटा, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, तो एल्गार के अंदर जो बेटा मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स अभी तक देखा गया है वो 592 देखा गया है मैक्सिमम। मिनिमम कितना है बेटा? 2 जो पोर फायर लाइनियरिस में, मैक्सिमम कितना बेटा? 592 है बेटा। समझ गया ना? और किसमें पाया जाता बेटा? ये भी याद रखना, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रोमोसोम पाया जाता बेटा नेट्रियम, नेट्रियम डिजिटेलिस में, ठीक है ना, नेट्रियम डिजिटेलिस में, नेट्रियम एन ई टी आर आई यू, नेट्रियम डिजिटेलिस। ये सब सेल स्ट्रक्चर के अंदर लिखना है बेटा, सारे पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। इसके अलावा बेटा और एक चीज याद रखना है कि माइक्रोएस्ट्रियास या माइक्रोमोनास जिसको बोलते हैं, माइक्रोएस्ट्रियास और माइक्रोमोनास, इसके अंदर बेटा एक सेल के अंदर 1 माइटोकॉन्ड्रिया देखने को, ओनली सिंगल माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल बेटा, सिंगल माइटोकॉन्ड्रिया। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए बेटे, इसके लिए लिखा रहा हूँ। तो इनके अंदर बेटा सिंगल माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलता है। समझ गए ना? इसके अलावा याद रखना बेटा कि जो मोटाइल एल्गीज होते हैं, मोटाइल एल्गीज के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा बेटा? लाइट को सेंस करने के लिए, ठीक है ना, ये लाइट कहाँ पे है इस टाइम पे बेटा, ताकि वहां की तरफ जाएंगे और फोटोसेंस करेंगे। इनके अंदर क्या पाया जाता है? आई स्पॉट पाया जाता है, ठीक है, लेकिन ओनली मोटाइल एल्गीज के अंदर देखने को मिलता है। समझ गए ना? इसके अलावा याद रखना बेटा, एलगेज जो होते हैं बेटा, एलगेज के अंदर एक ऑर्गन पाया जाता है जिसको हम पायरेनॉइड बोलते हैं। एलगेज के अंदर बेटा ऑर्गन पाया जिसको हम पायरेनॉइड बोलते हैं। पायरेनॉइड क्या होता है बेटा? ये प्रोटीन होता है, सेंटर में प्रोटीन होगा ऐसे, और फिर इसके बाहर क्या किया जाता है बेटा? इसके अंदर स्टार स्टोर किया जाता है। ये बेटा क्या करें, इसको किसके लिए यूज किया जाता है बेटा? इसको फूड स्टोरेज के लिए यूज किया जाता है। और पायरेनॉइड का होना जो बेटा, ये करेक्टरिस्टिक फीचर होता है एलगेज का, यानी एलगेज बेटा अलग अलग प्रकार का फूड स्टोर करते हैं, करेक्टरिस्टिक फीचर होता है बेटा एलगेज का। और वो फूड स्टोर बेटा स्टार्च जब स्टोर होगा तो वो कहां पर स्टोर होता है? किस स्ट्रक्चर के अंदर स्टोर होता है? ये क्या होता है? ये प्रोटीन का कोर होता है, और बाहर में क्या होता है बेटा? बाहर में स्टार्च पाया जाता है। समझ गए ना बेटा? ये सेल स्ट्रक्चर के बारे में कुछ चीजें थी जो बड़ी इंपॉर्टेंट थी, जो आपको याद रखनी। समझ गए ना? अब हम क्या करते हैं बेटा, अब हम थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि इनके फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स किस किस प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। ये मैं रफ कर देता हूं बेटा। तो हम आते हैं बेटा किसके ऊपर? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के ऊपर। तो एलगेज के अंदर आपको बेटा 3 प्रकार के फोटोसिंथेटिक पिगमेंट देखने को मिलेंगे। तो पहला जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है बेटा, वो क्लोरोफिल होता है। सेकंड जो होता है बेटा, वो कैरोटीनॉइड्स होते हैं। एंड थर्ड जो होता है फाइकोसाइडिन होता है। तो याद रखना बेटा, जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स एलगी के फोटोसिंथेसिस करते हैं बेटा एलगीज, तो इनके अंदर जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स पाए जाते हैं बेटा, वो 3 प्रकार के फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स पाए जाते हैं, जिसमें बेटा क्लोरोफिल आएगा, जिसमें कैरोटीनॉइड्स आएंगे, और क्या आएगा? फाइकोसाइलिन आएगा। सबसे पहले देख लेते हैं बेटा कि क्लोरोफिल किस किस प्रकार का होता है। और याद रखना बेटा, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इंपॉर्टेंट क्योंकि इसी के बेसिस पे बेटा क्लासिफिकेशन होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो कौन कौन सा क्लोरोफिल होता है बेटा, तो यहाँ पर लिख देता मैं, जैसे क्लोरोफिल ए होता है, क्लोरोफिल बी होता है, क्लोरोफिल सी होता है, क्लोरोफिल डी होता है, एंड क्लोरोफिल ई होता है, ठीक है ना।
यानी आपको बेटा एलगी सर क्लोरोफिल ए देखने को मिलेगा, बी देखने को मिलेगा, सी देखने को मिलेगा, डी एंड ई। अब इम्पोर्टेंट इसको याद कर रखना बेटा, क्लोरोफिल ए जो होता है बेटा ये सारे एलगीज में पाएगा, ऑल एल्गल फॉर्म्स के अंदर क्या देखने को मिलेगा क्लोरोफिल ए, ऑल एल्गल फॉर्म्स। समझ गया ना, क्लोरोफिल बेटा आपको क्लोरोफाइसी के अंदर देखने को मिलेगा, क्लोरोफाइसी जिसको हम ग्रीन एल्गा कॉमनली बोलते हैं, ग्रीन एल्गा, ठीक है ना बेटा। क्लोरोफिल सी जो है बेटा ये आपको थियोफाइसी के अंदर देखने को मिलेगा, थियोफाइसी जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा ब्राउन एल्गा बोलते हैं। क्लोरोफिल डी जो है बेटा ये आपको रोडोफाइसी के अंदर देखने को मिलेगा, जिसको बेटा रेड एल्गा बोलते हैं, ठीक है ना। और क्लोरोफिल ई जो है बेटा ये आपको ज़ेंथोफाइसी के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है, जिसको हम येलो ग्रीन एल्गा बोलते हैं, याद रखेंगे, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए बेटा तो आपने याद रखा कि एल्गा के अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स तीन प्रकार के होते हैं, क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड एंड फाइटोसाइन। तो आपने याद रखा बेटा कि क्लोरोफिल जो होता है बेटा ये फाइव टाइप्स के होते हैं, क्लोरोफिल ए बी सी डी एंड ई। क्लोरोफिल ए बेटा सारे एल्गा फॉर्म में मिलेगा, कॉमन क्लोरोफिल तो सब में पाया जाता है। क्लोरोफिल बी बेटा क्लोरोफाइसी के अंदर मिलेगा, जिसको हम ग्रीन एल्गा बोलते हैं। क्लोरोफिल सी बेटा थियोफाइसी के अंदर मिलेगा, जिसको हम ब्राउन एल्गा बोलते हैं। क्लोरोफिल डी रोडोफाइसी के अंदर देखेंगे, जिसको हम रेड एल्गा बोलते हैं। और क्लोरोफिल ई बेटा ज़ेंथोफाइसी है, येलो ग्रीन एल्गा के अंदर देखने को मिलते हैं। अब प्लीज एक चीज से कंफ्यूज मत होना कि क्लोरोफिल बी जैसे क्लोरोफिल सी का ब्राउन कलर बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल सी है, नहीं बेटा, क्लोरोफिल सबके सब ग्रीन कलर के ही होते हैं, ठीक है ना। अब इनका जो कलर चेंज हो रहा है ना, क्योंकि इनके अंदर एक्स्ट्रा पिगमेंट्स भी पाए जाते हैं, जैसे क्लोरोफिल सी के अंदर फ्यूकोजेंथिन मिलेगा जो उसको ब्राउन कलर देगा, तो फ्यूकोजेंथिन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, इसलिए कलर कैसा आएगा बेटा ब्राउन कलर आएगा। तो मतलब क्लोरोफिल सब ग्रीन होते हैं, लेकिन बाद में एक्स्ट्रा कलरेशन में कौन सा पिगमेंट आएगा वो क्या करता है बेटा, कलर उसको अलग अलग तरीके से चेंज करता है। समझ गया ना, चलिए तो यहाँ पर ये नजर आ रहा है, तो आप यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा। अब ये तो क्लोरोफिल कंप्लीट हो जाता है, अब आते हैं कैरोटीनॉइड्स के ऊपर। कैरोटीनॉइड्स तो कौन कौन से कैरोटीनॉइड होता है बेटा, सबसे पहले नाम लिख देते हैं। तो कैरोटीनॉइड जो होता है बेटा अल्फा कैरोटीन होता है, बीटा कैरोटीन होता है, गामा कैरोटीन होता है एंड एप्सिलॉन कैरोटीन होता है, ठीक है ना बेटा। चलिए देख लेते हैं बेटा कहां कहां पे होता है। तो अगर हम बेटा अल्फा कैरोटीन की बात करें तो ये आपको बेटा क्लोरोफाइसी एंड और रोडोफाइसी में देखने को मिलेगा, याद रखना। बीटा कैरोटीन जो बेटा ये ऑल एल्गा में देखने को मिलेगा, ऑल एल्गा फॉर्म सब में देखने को मिलेगा, ठीक है ना बेटा। गामा कैरोटीन जो है बेटा ये आपको क्लोरोफाइसी के अंदर देखने को मिलेगा, और ये बेटा आपका बेसिलियोफाइसिक एंड क्रिप्टोफाइसिक में देखने को मिलेगा, ठीक है ना, ठीक है, दिख रहा होगा बेटा आप लोगों को, ठीक है ना। तो ये याद रखना बेटा कि अल्फा कैरोटीन के अंदर क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी, बीटा के अंदर सब में पाया जाता है, गामा क्लोरोफाइसी के अंदर पाया जाता है, एप्सिलॉन बेटा बेसिलियो आर क्रिप्टोफाइसी के अंदर देखने को मिलता है। समझ गया ना, चले अब इसके अलावा बेटा कुछ और पिगमेंट्स लिख लेता हूँ यहाँ पे जो इनसे एक्स्ट्रा में है बेटा, जैसे लाइकोपीन, जैसे फ्लेविसिन, ये बेटा एक्स्ट्रा कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स होते हैं बेटा, जैसे फ्यूकोजेंथिन, क्या आपको दिख रहा होगा बेटा फ्यूकोजेंथिन, और इसके अलावा बेटा फ्यूकोजेंथिन के अलावा मिक्सोजेंथिन, ये सारे पिगमेंट्स याद रखने बेटा, एस्ट्राजेंथिन,
एक्स्ट्रा से ये सब याद रखना बेटा, एंड ल्यूटीन ये प्लीज याद रख लीजिएगा। तो कहां कहां से होते हैं ये भी देख लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लाइसोपीन जो होता है आपको क्लोरोफाइसी के अंदर देखने को मिलेगा, फ्लैविसिन जो होता है आपको साइनोफाइसी के अंदर देखने को मिलेगा, फ्यूकोजेंजिन जो है आपको फ्यूफाइसी और बेटा रोडोफाइसी एंड बेसिलियोफाइसी में भी देखने को मिलता है, ठीक है ना। चलिए इसके अलावा बेटा मिक्सोजेंजिन जो होता है मिक्सोजेंजिन आपको साइनोफाइसी के अंदर देखने को मिलता है, और एस्ट्राजेंजिन जो होता है ये आपको बेटा क्लोरोफाइसी के अंदर देखने को मिलता है, एंड ल्यूटीन जो होता है ये ऑल फॉर्म में मिलता है। समझ गया ना बेटा, तो ये आपने क्लोरोफिल के बारे में बात करो, ठीक है। अब अगर बेटा क्लोरोफाइसिन के अंदर देखिए क्लोरोफाइसिन के अंदर क्या क्या पाया जाता है, तो क्लोरोफाइसिन के अंदर बेटा क्लोरोफिल बी पाया जाता है, ठीक है ना। क्लोरोफाइसिन के अंदर बेटा गामा कैरोटीन एंड अल्फा कैरोटीन पाया जाता है, ठीक है ना। लाइकोपीन पाया जाता है, क्लियर है ना। एस्ट्राजेंजिन पाया जाता है, समझ गया ना। तो सेम तरीके से बेटा अगर आप फ्यूफाइसिन के अंदर देखें तो फ्यूफाइसिन के अंदर क्लोरोफिल सी पाया जाता है, क्लोरोफिल ये तो सबसे कॉमन होगा बेटा, ठीक है। और इसके अलावा बेटा फ्यूकोजेंजिन पाया जाता है, ठीक है ना। और इसके अलावा बेटा इसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है ना। इसी तरीके से बेटा रोडोफाइसिन के अंदर एक तो क्लोरोफिल डी मिलेगा इसके अंदर, ठीक है ना। और इसके अलावा बेटा आपको इसमें अल्फा कैरोटीन देखने को मिलेगा, आपने इसको बेटा इसके अलावा फ्यूकोजेंजिन भी देखने को मिलेगा, समझ गए ना। सेम तरीके से आप बेटा क्लोरोफिल ई का भी या अजेंथोफाइसिन का भी देख सकते हैं, समझ गए ना। चले अब हम क्या करते हैं बेटा, अब ये तो हमने क्लोरोफिल के बारे में बात करी, कैरोटीनॉइड के बारे में बात करी, अब हम बेटा इसके बारे में बात करते हैं फाइटोबिलिन के बारे में, ठीक है। चलिए तो ये आप नोट डाउन कर दीजिए बेटा पहले जल्दी जल्दी, क्योंकि इसके नोट्स नहीं मिलेंगे आपको, तो नोट डाउन कर दीजिएगा बेटा साथ साथ। तो मैं इधर लिख देता हूँ फाइटोबिलिन, इधर लिख देता हूँ बेटा। तो कहां पाया जाता है बेटा, तो अगर पहले की बात करें तो बेटा ये आपको ब्लू ग्रीन एल्गे में देखने को मिलेगा, दिस इज प्रेजेंट इन ब्लू ग्रीन एल्गे, दिस इज प्रेजेंट इन रेड एल्गे, दिस इज प्रेजेंट इन ऑल फॉर्म्स, ठीक है बेटा। ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स खत्म हो जाते हैं, क्लियर। तो अब है बेटा अब हम क्या करते हैं, अब हम इनके फूड स्टोरेज की बात करते हैं कि एल्गे जो होते बड़े किस किस प्रकार का फूड स्टोर करते हैं, ठीक है। चलिए तो मैं इसको रब कर देता हूं बड़े, यहां पे लिख दिया होगा अभी हम क्लासिफिकेशन पे नहीं पहुंचे बेटा, अभी हम बस कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं। ये बेटा एंटल क्लासिफिकेशन के जैसा ही है, अगर आप कैरेक्टरिस्टिक अच्छे से याद रखेंगे ना तो आपको बेटा आगे आने वाले टाइम में आपकी क्लासिफिकेशन में दिक्कत नहीं हो जाएगी। करेक्टर से अच्छे से याद रख लो, क्लासिफिकेशन को समझने में प्रॉब्लम नहीं होने वाला, ठीक है ना। चले आप करते हैं बात बेटा फूड स्टोरेज एल्गा, तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा फूड स्टोरेज जो बेटा स्टार्च स्टोर किया जाता है,
एंड ऑयल स्टोर किया जाता है, ठीक है ना। पायरेनॉइड याद रखना है, मैंने पहले भी बोला था पायरेनॉइड। इसके अलावा बेटा कुछ एल्गी जो क्राइसो लैमिनेरियन, क्राइसो लैमिनेरियन स्टार्च स्टोर करते हैं, और प्लस क्राइसो लैमिनेरियन स्टार्च स्टोर करते हैं प्लस ऑयल स्टोर करते हैं, ठीक है ना। कुछ एल्गी ऐसे भी होते हैं बेटा जो लैमिनेरियन स्टार्च स्टोर करते हैं, लैमिनेरियन स्टार्च स्टोर करते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट है बेटा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। लैमिनेरियन स्टार्च स्टोर करते हैं प्लस मैनिटॉल स्टोर करते हैं, मैनिटॉल स्टोर करते हैं, देखा, प्लस ऑयल स्टोर करते हैं, ठीक है ना। कुछ एल्गीज ऐसे भी होते हैं, कुछ एल्गीज बेटा फ्लोरिडियन, फ्लोरिडियन स्टार स्टोर करते हैं, ठीक है ना, प्लस गैलेक्टन, प्लस गैलेक्टन सल्फेट। और कुछ बेटा साइनोफेसियन, दिख रहा हूं बेटा साइनोफेसियन, साइनोफेसियन स्टार स्टोर करते हैं, ठीक है ना। साइनोफेसियन से अपना ग्लाइकोजन के समान होता है, इंपॉर्टेंट है याद रखना। तो स्टार्च ऑयल जो स्टोर करते हैं बेटा वो होते हैं साइनोफेसिन, सॉरी साइनोफेसिन क्लोरोफेसिन। स्टार्च ऑयल जो स्टोर करते हैं क्लोरोफेसिन होते हैं, क्लोरोफेसिन, ठीक है ना बेटा। क्राइसोलैमिनेरियन स्टार्च प्लस ऑयल जो स्टोर करते हैं बेटा ये होते हैं बेटा ज़ैंथोफेसिन, प्लस बैसिलिडियोफाइसिन, ज़ैंथोफाइसिन प्लस बैसिलिडियोफाइसिन। अच्छा ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये कॉमनली बेटा ये इंपॉर्टेंट है। लैमिनेरियन स्टार्च ये याद रखना बेटा, मैनिटॉल इंपॉर्टेंट है, लैमिनेरियन स्टार्च प्लस मैनिटॉल प्लस ऑयल जो बेटा फियोफाइसिन स्टोर करते हैं, फियोफाइसिन स्टोर करते हैं, ठीक है ना। फ्लोरिडियन स्टार्च प्लस गैलेक्टन सल्फेट जो होता है बेटा ये रोडोफाइसिन स्टोर करते हैं, रोडोफाइसिन स्टोर करते हैं। लास्ट बेटा साइनोफेसिन स्टार्च जो ग्लाइकोजन के समान होता है इसको साइनोफेसिन स्टोर करते हैं, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है याद रख लेना कि स्टार्च ऑयल को कौन स्टोर कर रहा है, क्राइसो लेमिनेरियन स्टार्च को कौन स्टोर कर रहा है, ठीक है ना। लैमिनेरियन स्टार्च प्लस मैनिटॉल प्लस ऑयल को कौन स्टोर कर रहा है, फ्लोरिडियन स्टार्च प्लस ग्लैक्टन सल्फेट को कौन स्टोर कर रहा है, एंड साइनोफेसिन स्टार्च जो ग्लाइकोजन के जैसा होता है उसको कौन स्टोर कर रहा है, समझ गए ना बेटा। तो ये हमारा बेटा आज का टॉपिक फिनिश हो जाता है, जो हमने बेटा टॉपिक शुरू करा था कहां से, थैलाइड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एल्गी से शुरू करा था बेटा, ठीक है ना। तो जो आके यहाँ पे खत्म हो जाता है, अब नेक्स्ट क्लास जो है बेटा नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यूशन करेंगे करेक्टरिस्टिक फीचर से, जिसमें हम रिप्रोडक्शन इन एल्गा पढ़ेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद बेटा हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गा से, ठीक है ना बेटा। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़, पढ़ते रहिए, अस्सलाम वालेकुम।